बस 2 मिनट में आ रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, 2 मिनट में आ रहा हूँ मेरे शेर एंड शेरनियों। जल्दी से काम करिएगा, जल्दी से शेयर कर दीजिएगा क्लास को, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं वहां वहां कर दीजिएगा। 2 मिनट में पहुंच रहा है आपका भाई आपके पास, ठीक है दोस्तों, 2 मिनट में पहुंच रहा है। बस आपका भाई सोच रहा है कि बस एक दावेली खा के आ रहा है आपका भाई, ठीक है, सोचता है कि भैया खा लूं मैं यार थोड़ा सा कुछ, तो चलो भाई जल्दी 200 लेकर आओ, 200 बच्चे लेकर आओ, जब तक मैं आ रहा हूं भाई, जल्दी 200 बच्चे लेकर आओ तब तक मैं आता हूं। एक बार शेयर ठोक दो मेरे शेर और शेरनियों, जल्दी ठोक दो शेर, शेयर ठोक दो शेयर शेयर, और फिर अपन 200 बच्चे लेकर आओ, फिर मैं आ रहा हूं, 2 मिनट में पहुंच रहा हूं बस। बारह बजे तक पढ़ रहे हैं, पर अपन शांति से बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे 12 बजे तक, ठीक है दोस्तों, 2 मिनट में आ रहा हूं बस, जब तक शेयर ठोक दो आप लोग, और अगर साथ में खाना हो तो फिर आ जाओ मेरे दोस्तों। खाओगे? आ जाओ मेरे शेर और शेरनियों, चलो भैया जल्दी आ जाएगा, आ गया आपका भाई, आपका बब्बर शेर सामने उपस्थित है आज की क्लास में, भैया जाओ आ जाओ जल्दी। चलिए भैया, ठीक है दोस्तों जी, जी भाई जी जी भाई, करते हैं आज की सभा को प्रारंभ, और ये सभा थोड़ी लंबी चलने वाली है मेरे दोस्त, तो जरा आ जाइएगा भैया, खाना माना जरा सामने रख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, खाना
खाना वाना सब सामने रख लीजिएगा, अगर आपको भूख लगती है तो जल्दी भैया उठाकर खाते जाएगा। तो आपका भाई आज मेरे दोस्तों बहुत ही तगड़ी वाली चीज चलने वाली है, और बहुत ही तगड़ा आज अपना संग्राम चलने वाला है, और बहुत ही शानदार चीज आपका दोस्त आपके लिए लेकर आया है मेरे दोस्तों, बहुत ही धमाकेदार चीज। पहले तो ये बात बताओ, क्या वॉइस वॉइस सारी क्लियर है? पहले तो सिर्फ इतना सा बता दो कि वॉइस में सारी क्लियर है कि नहीं क्लियर है, फिर हम देखते हैं। यो चलो भाई देखो जरा, ये भैया एक बहुत ही धमाकेदार कोर्स लॉन्च करा है आपके भाई ने, बहुत ही तगड़ा कोर्स लॉन्च करा है मेरे दोस्तों, उसके बारे में आपको बता देता हूं। मतलब ये कंप्यूटर सिलेबस टेस्ट कोर्स है, मतलब इसके अंदर कंप्यूटर सारी चीजें, कंप्यूटर से रिलेटेड जो सारी जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, सारे जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कि मैं आपको एक ऐसा एक डेमो फॉर्मेट पर बता देता हूं, जैसे कि देखिएगा मेरे दोस्तों एक ऐसा डेमो फॉर्मेट में मैं आपको बता देता हूं, देखो जरा मेरे दोस्तों कि इसके अंदर क्या है और इसके अंदर क्या नहीं है, किस प्रकार से ये आपकी टेस्ट सीरीज है। जरा मेरे देखो, देखिएगा मेरे भाई ध्यान से बातों को कि इसमें क्या है क्या नहीं है, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, देन उसके बाद हम कोर्स को स्टार्ट करते हैं, टेंशन ना लेने का है। तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आप रीड कर लीजिएगा, मतलब जो आपकी ये टेस्ट सीरीज है इसके अंदर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले हैं? टॉपिक वाइज सारे टेस्ट मिलने वाले हैं, और आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी अवेलेबल कराए जाने वाले हैं। किस किस के? फंडामेंटल हुआ, नेटवर्क, इंटरनेट, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर, सॉरी प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर, और आपका एंड्रॉयड और आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मेरे दोस्तों इतने जो टॉपिक्स हैं इनके अंदर जो सब टॉपिक्स होते हैं, जैसे मैं बात करूं फंडामेंटल की, इनके अंदर जो सब टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि देखो कंटेंट में जाकर मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि देखो ये फोल्डर दिख रहा है आपका, फंडामेंटल हुआ, आपका नेटवर्क हुआ, इंटरनेट हुआ, वर्ड हुआ, ठीक है, और उसके बाद देखो एक्सेल हुआ, पावर पॉइंट हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम, मार्क बूस्टर। और ये मेरे दोस्त ये बहुत ही धमाकेदार चीज है, मार्क बूस्टर मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर आपको मिलेंगे जो शायद आपके जो आने वाले एग्जाम से जो आपका एक या दो नंबर से जो आपका सिलेक्शन रोक देते हैं वो इसके अंदर आपको अवेलेबल कराए जाने वाले हैं। और मेरे दोस्तों और जैसे मैं एक को ओपन करके बता देता हूं कि देखो जरा, जैसे मैंने फंडामेंटल को ओपन करा, देखिएगा मैंने फंडामेंटल को ओपन करा तो इसमें मुझे दो फोल्डर मिलने वाले, एक टॉपिक वाइज टेस्ट मिलने वाला है और एक आपका प्रैक्टिस टेस्ट मिलने वाला है। देखिएगा क्या मिलने वाला है, टॉपिक वाइज टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट। जैसे ही मैं टॉपिक वाइज टेस्ट पर क्लिक करता हूं तो ये सारे टॉपिक के नाम्स मिलने वाले हैं मुझे। कौन कौन से नाम मिलने वाले हैं? देखो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हुआ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हुआ, टेस्ट ऑफ पोर्ट हुआ, इनपुट यूनिट हुआ, ठीक है, और देन उसके बाद आगे हम बढ़े तो भैया आपका आउटपुट यूनिट हुआ, आउटपुट डिवाइस हुआ, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट हुआ, इनपुट डिवाइसेस हुआ, इनपुट डिवाइसेस हुआ, आपका कंट्रोल यूनिट हुआ, कंट्रोल यूनिट, और आपका स्टोरेज यूनिट हुआ। तो मतलब ये फंडामेंटल के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स वाइज इसके अंदर टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, ठीक है दोस्त। और अगर मैं बात करूं देखिए मेरे दोस्तों थोड़ा सा प्रैक्टिस टेस्ट के बारे में, तो ये है आपका प्रैक्टिस टेस्ट जिसके अंदर आपको देखो फंडामेंटल प्रैक्टिस टेस्ट 1 से लेकर कहां तक, फंडामेंटल प्रैक्टिस टेस्ट 36 तक अवेलेबल है। अगर मैं ऑल ओवर फंडामेंटल के क्वेश्चंस की बात करूं तो आपको 1100 ओनली फंडामेंटल के क्वेश्चंस इस कोर्स के अंदर है, और अगर मैं एमएस ऑफिस की बात करूं तो 2500 प्लस क्वेश्चंस इसके अंदर आपके अवेलेबल है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी, अब मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके मेरे दोस्तों पढ़ाई आपकी स्टार्ट करवाता हूं, और देखिएगा सॉल्व करिएगा मेरे दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन से करिएगा सॉल्व। जाओ भाई स्टार्ट करो, MICR का पूरा नाम होता क्या है? चलो चलो भैया ये करना बंद करो, पढ़ाई करवाओ। जी भाई साहब तुम्हारे लिए ही बैठे हैं, बिल्कुल थोड़ा से भी टाइम अपने लिए ना निकाले, थोड़ा सा भी टाइम अपने लिए ना निकाला है। जी सर बिल्कुल 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 जी सर, हाथ जोड़ के निवेदन हो गया आपका, स्वीकार कर लिया हमने, आप आंसर देना स्टार्ट करिएगा। चलो दोस्त, और शेयर अगर नहीं ठोका है तो मेरे दोस्त शेयर जरूर ठोक दीजिएगा, जहां जहां शेयर कर सकते हो मेरे भाई वहां वहां कर दीजिएगा। आज 500 प्लस तो जाना चाहिए, वैसे मैंने आपसे बोला था कि 1K प्लस लाइव जाना चाहिए, बट 500 प्लस आप जाना चाहिए, 500 प्लस तो कर ही दो मेरे भाई, करिएगा। चलो भाई स्टार्ट करने से पहले एक बात और सिंपल सी मुझे देखनी है, वो बात क्या है
मेरे दोस्तों, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं है इस दुनिया के अंदर। जो आपका प्रैक्टिस है, बिना प्रैक्टिस के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। अगर आपने प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं की है तो मेरे भाई प्रैक्टिस आप स्टार्ट जरूर कर दीजिएगा। सिर्फ नाम मात्र 149 रुपीज पर मेरा ऐप है एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस, उस पर आपको ये, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो मेरे दोस्तों, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आगे भैया, MICR का पूरा नाम क्या होता है जल्दी बताओ। तो क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो देख लो भैया, क्या होता है आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड नहीं होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर नहीं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर नहीं मेरे दोस्तों, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जी सर, आपका आंसर ये है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड, ये है आपका MICR का पूरा नाम। मतलब यहां पर फर्स्ट आपका सही आंसर होने वाला है। और मेरे दोस्तों, इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि जो आपका MICR होता क्या है, तो ये आपका एक इनपुट डिवाइस होता है जो बैंक के अंदर आपके चेक पर लिखे हुए नंबर्स को रीड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि भैया आपका मैग्नेटिक डिवाइस का यूज कहां, आपका MICR का यूज कहाँ किया जाता है, अगर आपसे ये पूछा जाए, तो आप सिंपल बता दीजिएगा कि मेरे दोस्तों, आपके MICR का प्रयोग बैंक के अंदर चेक पर लिखे हुए नंबर्स को पढ़ने के लिए किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए MICR कितने कैरेक्टर को रीड करता है, तो ये आपका मेरे दोस्तों 10 कैरेक्टर को रीड करता है। कौन? MICR। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करिए और आंसर दीजिएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव, आंसर जल्दी दीजिएगा फुर्ती में मेरे दोस्तों, फुर्ती में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज बायोमेट्रिक, निम्नलिखित में से कौन बायोमेट्रिक नहीं है, बताइएगा जल्दी। निम्नलिखित में से कौन बायोमेट्रिक नहीं है जल्दी बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन बायोमेट्रिक नहीं है जल्दी। और अगर मेरे दोस्त शेयर नहीं कराए क्लास को, शेयर नहीं कराए तो प्लीज गाइस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बताओ, निम्नलिखित में से बायोमेट्रिक नहीं है, कौन नहीं है? तो देखिएगा, बायोमेट्रिक क्या होता है, आपका वॉइस स्कैन होता है, जी बिल्कुल होता है, और आपका फिंगरप्रिंट स्कैन होता है, जी बिल्कुल होता है, आपका मेरे दोस्तों रेटिना स्कैन होता है, जी बिल्कुल होता है। फिंगरप्रिंट स्कैन किसके द्वारा किया जाता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर के द्वारा किया जाता है, रेटिना आयरिस की मदद से किया जाता है, जो आयरिस नाम का एक डिवाइस होता है जिसकी मदद से क्या की जाती है, आपकी जो रेटिना होती है, रेटिना की आइडेंटिफाई को क्लियर किया जाता है मेरे दोस्तों। और अगर मैं बात करूं ये आपका बायोमेट्रिक होता क्या है, बायोमेट्रिक को आपके ऑथेंटिकेशन डिवाइस भी कहते हैं। ऑथेंटिकेशन डिवाइस का मतलब क्या है कि आप किसी चीज को परमिशन देना तो मतलब क्या, परमिशन देना मींस कि भैया आपने, जैसे बैंक में आप जाते हो अपना फिंगरप्रिंट लगाते हो, तो फिंगरप्रिंट लगाकर आप उन्हें ऑथेंटिकेट कर देते हो। ऑथेंटिकेट बोले तो क्या, आप उन्हें परमिशन दे देते हो कि लो भाई आप मेरे अकाउंट में से पैसे निकाल सकते हो, मर्जी पड़े जितने पैसे आप निकाल लीजिएगा, लो भैया आप तो निकाल लीजिएगा। तो मतलब आप परमिशन दे देते हो ना कि लो सर आप तो क्या कर लो, मेरे अकाउंट में से क्या निकाल लो मेरे भैया, पैसे निकाल लो। तो आपने ऑथेंटिकेट कर दिया, आपने ऑथेंटिकेशन दे दिया उन्हें कि सर लीजिए और हमारे अकाउंट से पैसे निकाल लीजिएगा। और इसे बायोमेट्रिक क्यों कहते हैं कि बायो का मतलब होता है इंसान, बायो का मतलब होता है आपकी शारीरिक पहचान, एक किसी ह्यूमन पहचान, तो ह्यूमन पहचान ही इनके द्वारा की जाती है। वॉइस क्या है, आपकी ह्यूमन पहचान आइडेंटिफिकेशन है, रेटिना क्या है, आपकी ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन है, फिंगरप्रिंट क्या है, आपके ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन है। इसलिए क्या करता है मेरे दोस्तों, इन सब चीजों का प्रयोग किया जाता है। और एक कॉल मुझे लगा लें दो, क्योंकि 11 बजे अपने वाईफाई का डिवाइस ऑन ऑफ होगा, तो हम उसे मना कर देंगे कि भाई आप वाईफाई का डिवाइस को ऑन ऑफ मत करवाइएगा। ठीक है, जब तक आप आंसर दीजिएगा जल्दी जल्दी भैया। शिवम, हाँ जी, जल्दी दीजिएगा आंसर, दीजिएगा जल्दी। तो आंसर क्या है, वो है आपका मेरे दोस्तों डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर कोई भी आपका क्या नहीं होता है, बायोमेट्रिक नहीं होता है। डिजिटल सिग्नेचर ऑथेंटिकेशन हो सकता है, बट बायोमेट्रिक नहीं हो सकता। अगर आपसे पूछा जाए डिजिटल सिग्नेचर क्या ऑथेंटिकेशन है, तो जी सर ये ऑथेंटिकेट डिवाइस है। हेलो भैया, आज मेरी 8 से 12 क्लास चलेगी, तो डिवाइस को 12 के बाद ऑन ऑफ करवाना आप, ठीक है? हाँ ठीक, देखो चलो भाई। चल जाए आगे। जी सर,
चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, अगर यहां पर एक चीज क्या है आपका दिक्कत दे सकती है, वो दिक्कत क्या है, ये प्रॉब्लम आ सकता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ये जो आपका डिजिटल सिग्नेचर है क्या ये ऑथेंटिकेशन डिवाइस होता है, ऑथेंटिफिकेशन डिवाइस होता है, तो जी सर ये आपका ऑथेंटिफिकेशन डिवाइस होता है। और अगर आपसे बोले कि ये ऑथेंटिफिकेशन डिवाइस क्या ये बायोमेट्रिक होता है, तो जी सर नहीं ये बायोमेट्रिक नहीं होता। क्यों, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर ये पेन से किए जा सकते हैं और बायोमेट्रिक का मतलब होता है शारीरिक आपकी पहचान, तो ये शारीरिक पहचान नहीं है, आपकी आइडेंटिफिकेशन है। बस आगे बढ़ जाएगा और आगे हम बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं अगली बात को, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा मेरे दोस्तों, आंसर दीजिएगा अगले क्वेश्चन का, दीजिएगा जल्दी। क्या बोल रहा है, कहने का सिंपल सा मतलब है, निम्नलिखित में से कौन इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है। क्या इसको जूम कर लूं थोड़ा सा, क्या इसको जूम कर लूं, बताइएगा क्या जूम कर लूं कि सही दिखाई दे रहा है, जूम कर लूं या सही दिखाई दे रहा है, जल्दी बता दीजिएगा जूम कर लूं या सही दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं यार, ए ए ए ए ए, बहुत बढ़िया। क्या जूम कर लूं या सही दिखाई दे रहा है, बताओ भाई जूम कर लूं क्या नहीं करूं, बताओ, कर लो, कर लें जूम, चलो भाई जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जूम करना चाहिए, तो जूम करते हैं अपन, ठीक है भाई। तो कहाँ हो मैराथन, मैराथन कहाँ हो मैराथन, लो वो ही पता नहीं है कहाँ गया अपना, लो पीडीएफ का ही पता नहीं है, लो गड़बड़ मामला हो गया। ये तो मामला गड़बड़ करा दिया तुमने यार, दो सौ कर लूं, 150 कर लूं, दो सौ तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है सही है जी, 200 ज्यादा हो जाएगा, 150 कर लेते हैं, ठीक है 150 कर लेते हैं, चलो भाई अब सही रहेगा, हाँ ठीक है सर जी, सर अब दीजिएगा आंसर, सर क्वेश्चन करवा दीजिएगा, सर क्वेश्चन करवा, झूम झूम कर के टाइम वेस्ट ना करो अभी, अरे भाई साहब कृष्णा जी, सर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, चलो बढ़ जाओ भैया, कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। तो अच्छा एक बात बोलिए, प्रिंटर के दो प्रकार होते हैं, एक होता है आपका इंपैक्ट प्रिंटर और एक होता है आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है, एक होता है आपका इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो जो इंपैक्ट प्रिंटर होता है उसमें हैमर और रिबिन का प्रयोग करते हैं, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है उसमें हैमर और रिबिन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो लेजर प्रिंटर में हैमर रिबिन का प्रयोग नहीं होता है और थर्मल प्रिंटर में लेजर रिबिन का प्रयोग नहीं होता है, इंकजेट प्रिंटर में लेजर और का प्रयोग नहीं होता है। तो मतलब आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर नॉन इंपैक्ट नहीं होता है, नॉन इंपैक्ट नहीं होता है, इसका मतलब है कि आपका इंपैक्ट होता है। कहने का क्या मतलब है, इनका कहना है कि नॉन इंपैक्ट नहीं होता है, तो नॉन इंपैक्ट नहीं होता है मतलब क्या है आपका मेरे दोस्तों, आपका इंपैक्ट क्या है, तो ये है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगर मैं बात करूं, क्यों भैया डिटेल में चलूं या फिर आंसर बताते चलूं क्वेश्चन, ओके चलो आंसर बताते चलते हैं, डिटेल में नहीं चलते हैं, आगे बढ़ जाइएगा अगले क्वेश्चन पर मूव करिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा मेरे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, जल्दी समय मेरे पास आ जाए यार, अकेले मजा नहीं आ रहा, चलो भैया निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, जल्दी आंसर दीजिएगा,
जल्दी आंसर देते जाइएगा। तो भैया आपका माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, लाइट पेन पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइस है, बट आपका कीबोर्ड पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता है। और अगर हम कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड के दो स्टैंडर्ड होते हैं, एक होता है आपका यूएस ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड, ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड, और एक होता है आपका डीफेक्टो स्टैंडर्ड, डीफेक्टो स्टैंडर्ड। अच्छा, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि यूएस ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड के अनुसार कीबोर्ड में कितनी की होती हैं और डीफेक्टो के अनुसार कीबोर्ड के अंदर कितनी की होती हैं, तो बता दीजिएगा। अरे मेरे शेर और शेरनियों, अरे मेरे सीपीसीटी की मुंडी में छेद करने वालों, संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर बनकर वही चमकता है। अरे मेरे दोस्त, टेक्निकल मेरे दोस्त, वाह वाह यार वाह। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर बनकर वही चमकता है। मेरे दोस्त बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको क्या बोला था अभी हाल ही में, दो चीजें पूछी थी आपसे। क्या चीजें पूछी थी मेरे भाई आपको? डिफेक्ट, बहुत बढ़िया। अरे मेरे भाई बहुत तगड़े आंसर आ रहे हैं। डिफेक्टो के अनुसार 101 की होती हैं और यूएस ट्रेडिशनल के अनुसार मेरे दोस्तों, सॉरी, डिफेक्टो में 104 की होती हैं और यूएस ट्रेडिशनल में अनुसार 101 की होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन मूव है और अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, फिर मैं आपको ऑप्शन बता देता हूं। पढ़ो, विंडोज के निम्नलिखित में से कौन सा घटक हार्ड डिस्क से गलती से हटाई गई फाइलें या फोल्डरों के लिए सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है? मतलब जो आप हार्ड डिस्क से चीजों को डिलीट करते हो उन्हें सुरक्षित करने का काम कौन करता है, बताइएगा मेरे दोस्तों। क्या वो आपका माई डॉक्यूमेंट करता है, क्या वो इंटरनेट एक्सप्लोरर करता है, या फिर वो टास्क बार करती है, या फिर वो रिसाइकल बिन करता है? जल्दी बताइएगा कौन करता है, या फिर वो रिसाइकल बिन करता है, जल्दी बता दीजिएगा कौन करता है। भैया बताओ, भाई बताइएगा कौन करता है आपका? तो वो रिसाइकल बिन करता है। रिसाइकल बिन में क्या रहता है, जो भी आप चीज क्या करते हो, डिलीट करते हो, जैसे आपने एक चीज डिलीट करती, कोई दूसरी चीज डिलीट, यानी जो भी आप चीज डिलीट करते हो, आप फाइल डिलीट करो, चाहे आप मेरे दोस्तों फाइल को डिलीट करो, चाहे आप फाइल को डिलीट करो, चाहे आप किसी फोल्डर को डिलीट करो, आप डिलीट करते हैं तो वो कहां पर जाता है आपका? रिसाइकल बिन के अंदर जाकर स्टोर हो जाता है। और यदि आप शिफ्ट की के साथ डिलीट करोगे, क्या करोगे मेरे दोस्तों, यदि आपने शिफ्ट की का यूज करके डिलीट की चीजों को, जैसे ही आपने शिफ्ट की का प्रेस करा और अगर आपने चीजों को डिलीट कर दी, तो मेरे दोस्तों क्या होने वाला है, वो आपका परमानेंटली डिलीट होने वाला है। जो डेटा, जो भी फाइल या फिर जो भी फोल्डर आपने डिलीट किया है, यदि आपने उसमें शिफ्ट की के साथ उसे डिलीट कर दिया, तो क्या होने वाला है मेरे दोस्त, आपकी चीजें परमानेंटली डिलीट होने वाली हैं। तो ये है आपका रिसाइकल बिन, जो क्या करता है मेरे दोस्तों, यहां पर आपको एज अ चीजों को प्रोटेक्शन, आपकी चीजों को स्टोर करके रखता है। और अगर यहीं पर मैं एक बात बोलूं, आपके ईमेल के अंदर जो आप मेल को डिलीट करते हो, जरा कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है। देखते हैं मेरे दोस्तों क्या है। देखो, अगर कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है, आंसर क्या देना है कि जो ईमेल के अंदर आप मेल को डिलीट करते हो, तो वो कहां पर जाकर स्टोर होती है, या फिर ईमेल के अंदर रिसाइकल बिन की तरह कौन काम करता है, बताओ भैया कौन बताएगा, बताओ भाई कौन बताने वाला है, चलो कौन बताने वाला है? सर हिंदी टाइपिंग में मंगल, चलो भैया कौन बताएगा? वेरी गुड, ड्राफ्ट नहीं होता है, ट्रेस होता है। कंप्यूटर लर्नर भैया अभिषेक भाई, जो कौन होता है आपका? ट्रेस। ट्रेस नाम की एक जगह होती है जो क्या करती है, आपके परमानेंटली जो आपके डिलीट डेटा होते हैं और वो डिलीट करते हैं। और अच्छा, कोई और एक बात बता सकता है कि ट्रेस के अंदर पिछले कितने दिन का डेटा आप ले सकते हो, कितने दिन का डेटा आप वापस कर सकते हो ट्रेस के अंदर, बताओ। जो ट्रेस होता है ईमेल के अंदर, उसमें से आप, अरे मेरे शेर और शेरनियों बताइएगा मेरे भैया, अरे मेरे बब्बर शेरो बता भाई कौन करेगा, कितने दिन बताना है आपको, दिन कोई बता सकता है, दिन बता भैया कितने दिन? 30 दिन। अरे वेरी गुड, यानी पिछले एक महीने का आप डेटा क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो, उससे बाद का डेटा आप वहां से रिकवर नहीं कर सकते हो। तो ये बात थोड़ी सी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं
और अगले क्वेश्चन को आंसर दीजिएगा, मेरे भाई अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देखिएगा। कहने का सिंपल सा मतलब है का विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड फॉर पावरिंग डाउन अ कंप्यूटर व्हाइल रिटेनिंग इट्स करंट स्टेट एंड सेइंग इलेक्ट्रिकल पावर एंड सेइंग इलेक्ट्रिकल पावर, यानी कंप्यूटर को उसकी वर्तमान स्थिति को वर्तमान को बनाए रखते हुए, यानी कंप्यूटर उसकी वर्तमान स्थिति में है और विद्युत शक्ति कहने के लिए निम्न में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है, मतलब विद्युत शक्ति उसमें बिल्कुल भी कम हो तो वो किसका प्रयोग किया जाता है बताइएगा भैया, कौन होता है वो, ऐसी कंप्यूटर की कौन सी पोजीशन है जिसमें आपका कंप्यूटर वही ऑन पोजीशन पर हो जैसा है वैसा ही हो और आपका, लेकिन वहां पर आपका क्या है विद्युत सबसे कम से कम खपत हो, तो वो आपकी पोजीशन क्या कहलाती है, क्या वो स्लीप कहलाती है या फिर वो हाइबरनेट कहलाती है या फिर वो रिस्टार्ट कहलाती है या फिर वो शटडाउन कहलाती है, तो क्या कहलाती है आप अच्छी तरह से जानते हैं उसे क्या क्या कहा जाता है, उसे हाइबरनेट कहा जाता है। जो हाइबरनेट होता है, हाइबरनेट में क्या होती है आपकी चीजें, देखो एक होता है आपका हाइबरनेट और एक होता है आपका स्लीप, तो याद रखना जरा बातों को कि अगर आप स्लीप की बात करेंगे तो डेटा ये हाइबरनेट का एक चीज और होती है। हाइबरनेट का मतलब क्या होता है कि जो आपका रैम के अंदर जो डेटा है वो रैम से डेटा आपका हार्ड डिस्क के अंदर भेज दिया जाता है और जीरो पावर इसका यूज की कंप्यूटर का करता है, जीरो पावर यूज करता है, उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं हाइबरनेट कहते हैं। और यदि आपका जो डेटा है वो रैम के रैम वाला प्रोसेस है वो रैम की रैम के अंदर रहे और हार्ड डिस्क के अंदर ना भेजी जाए और पावर भी बिल्कुल कम वहां पर कम यूज किया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, उसे स्लीप कहते हैं कि आपका कंप्यूटर क्या चलेगा स्लीप मोड के अंदर चला गया। और कंप्यूटर स्लीप मोड में जाने से पहले क्या जाता है आपके स्विच यूजर के अंदर जाता है, स्विच यूजर के, अगर आपसे कभी बोला जाए कि भैया जो आपका कंप्यूटर स्लीप के अंदर जाता है उससे पहले किस मोड के अंदर कंप्यूटर जाता है तो वो स्विच यूजर के मोड के अंदर जाता है। आपने नोटिस करा होगा कि भैया जब हम कंप्यूटर को ऐसा ही छोड़ देते हैं तो कुछ समय तक तो आप एंटर करके उसे ओपन कर सकते हैं लेकिन एक समय ऐसा आता है कि फिर आप वहां पर एंटर भी करते रहेंगे तब भी वो ऑन नहीं हुआ, आपको पावर बटन यूज ऑन करना पड़ेगा तभी जाकर वो कंप्यूटर ऑन होगा, तो उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है स्लीप कहा जाता है। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संदेशों को इस तरह से एनकोड करने की प्रक्रिया के केवल अधिकतर उपयोगकर्ता अधिकृत मतलब ऑथेंटिकेट उपयोगकर्ता ही इसे पढ़ सकें इसे कहा जाता है द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग। एनकोडिंग प्रोसेस क्या कहलाती है मैसेज को, यानी जो आपका जो ऑथेंटिकेट व्यक्ति ही उसे लेके आ पाए, मतलब इनक्रिप्शन कहने का मतलब वो है कि क्या है इनक्रिप्टेड करने का काम कर रहा है, यानी इनक्रिप्शन आप एक क्रिप्टोग्राफी का कार्य चल रहा है, क्रिप्टोग्राफी का काम चल रहा है ये, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका इनक्रिप्शन कहलाने वाला है या फिर मेरे दोस्तों ये डिक्रिप्शन कहलाने वाला है बताइएगा क्या कहलाने वाला है। आप अच्छी तरह से जानते हो इसे क्या कहते हैं इनक्रिप्शन कहते हैं, और इनक्रिप्शन मतलब ये क्या है आपका एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या करती है आपके उस टेक्स्ट को जो आपका सपोज हम या मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं प्लेन टेक्स्ट को आपका किस टेक्स्ट में सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया कौन है आपका इनक्रिप्शन, और वापस इस सिफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं डिक्रिप्शन कहते हैं। इनक्रिप्शन के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है आपका सिमेट्रिक, क्या होता है आपका सिमेट्रिक इनक्रिप्शन, और एक होता है आपका असिमेट्रिक इनक्रिप्शन। क्या होता है मेरे दोस्तों, एक होता है सिमेट्रिक इनक्रिप्शन और एक होता है आपका असिमेट्रिक इनक्रिप्शन, ठीक है, और ये सिमेट्रिक क्या होता है असिमेट्रिक होता है मैं यहां पर बताने नहीं वाला हूं। एक चीज आपको याद रखनी है वो है आपका इनक्रिप्टेड, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट क्या कहलाता है बताओ भैया कमेंट सेक्शन में बताओ इनक्रिप्टेड टेक्स्ट को क्या बोलते हैं, और आपका एक और टेक्स्ट होता है डिक्रिप्टेड, क्रिप्टेड जो आपका डिक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है उसे क्या बोलते हैं। पहले आपको बताना है कि सर इनक्रिप्टेड टेक्स्ट क्या होता है, टेक्स्ट क्या होता है बता भैया इनक्रिप्टेड टेक्स्ट क्या होता है, तो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट को हम बोलते हैं सिफर टेक्स्ट, क्या बोलते हैं सिफर टेक्स्ट। और यदि आपसे बोला जाए कि भैया जो आपका डिक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है उसे क्या बोलते हैं तो उसे प्लेन टेक्स्ट कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे भाई प्लेन टेक्स्ट कहा जाता है आपके डिक्रिप्टेड टेक्स्ट को। और अगर मैं डिक्रिप्टेड टेक्स्ट के बारे में सॉरी ज्यादा डिटेल में नहीं चल रहा यार अपन आंसर टिक करवाते हैं बस, ठीक है चलो बढ़ जाइए आगे बढ़ जाते हैं और अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा, आंसर देखिएगा क्या है आपका ग्राफिक टैबलेट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, यानी जो आपका ग्राफिक टैबलेट निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है बताइएगा, जो ग्राफिक टैबलेट होता है वो किस श्रेणी से संबंधित है बताइएगा,
ग्राफिक टैबलेट किस श्रेणी से संबंधित है बताइएगा। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं वो आपका इनपुट डिवाइस से संबंधित है, इसमें ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, आगे बढ़ जाइएगा। और अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा मेरे भाई और सॉल्व करिएगा। अ पीस ऑफ स्टिक पेपर कंटेनिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड बाय द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ होल्स इन प्रीडिफाइंड पोजीशंस इज कॉल्ड, यानी पूर्व निर्धारित स्थिति में छिद्रों की उपस्थिति या अनुपस्थिति द्वारा दर्शाए गए डिजिटल जानकारी वाले कठोर कागज के एक टुकड़े को कहा जाता है। कागज के टुकड़े को क्या कहते हैं बताओ भैया, क्या बोला जाता है कागज के टुकड़े को? अरे मेरे शेर और शेरनियों, यार तुमने शायरी नहीं भेजी यार, अरे अच्छी मोटिवेशनल शायरी कोई लिख के भेजो, मैं उसको पढ़ूंगा यार, मोटिवेशनल शायरी नहीं आती। आंखों में आंखें डालकर कहा, वो वाली शायरी बोलना भैया गौरव सर की एक बार, वो यार बड़ी दिल को छू जाती है। आंखों में आंखें डालकर कहा, चल झुट्टी तेरी औकात क्या है, वो शायरी भेजो भैया जल्दी। क्या है आपका? तो ये कहलाता है आपका पंच कार्ड। क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? पंच कार्ड कहलाता है। और अगर आपसे पंच कार्ड के बारे में पूछा जाए कि किस जनरेशन के अंदर यूज हुआ, तो फर्स्ट जनरेशन में आपका पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था, ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था, पंच कार्ड का यूज हुआ था, ठीक है। तो ये क्या है आपकी फर्स्ट जनरेशन के अंदर इसका प्रयोग किया गया था, ठीक है। और आगे बढ़ जाए, चलो भैया आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है देखिएगा मेरे भाई, अगला प्रश्न क्या है देखिएगा जल्दी। पंच कार्ड सर, सीपीसीटी के डिप्लोमा होने पर क्या पहला वाला डिप्लोमा मान नहीं होता है, प्लीज बता दीजिएगा। जी भैया, जितनी बार भी आप डिप्लोमा देते हैं उतनी बार वो डिप्लोमा आपका मान होता है, ठीक है। चलो सर ऑप्शन को तो बताते चलो प्लीज, चार ऑप्शन को। भैया एक्चुअली क्या है कि मेरे दोस्त फिर अपने सॉल्व नहीं हो पाएंगे क्वेश्चन। और मेरे भाई सुनो, अरे आपका भाई एक और धमाकेदार अनाउंसमेंट करने वाला है, ये अनाउंसमेंट सुनकर आपका दिल गदगद होने वाला है, दिल गदगद होने वाला है। वो क्या है मेरे दोस्तों? YouTube पर पहली बार कोई भाई, आपका जो भाई है उत्तम भाई, उत्तम भैया आपका क्या करने वाले हैं, एक्सेल पढ़ाने वाले हैं आपको, वो भी एक क्लास में, मैराथन में, एक मैराथन क्लास के अंदर आपको सारा का सारा एक्सेल पढ़ाने वाले हैं मेरे दोस्तों, सारा एक्सेल पढ़ाने वाला है आपका भाई उत्तम भैया, आपके भाई उत्तम भैया। इसी खुशी के मौके पर एक थम इंप्रेशन हो जाना चाहिए और क्लास को अपनी लाइक हो जाना चाहिए, लाइक ठोक दो मेरे दोस्तों, मेरे शेर और शेरनियों, सीपी सिंडी की मुंडी में छेद करने वालों। तो ये आपका भैया क्या करने वाला है आपको मेरे दोस्त, एक्सेल पढ़ाने वाला है अगले संडे को, जो कितने तारीख को आपका अगले संडे होने वाला है, अब खेल होने वाला है मेरे दोस्तों, और सीपी सिटी की मुंडी में छेद ही नहीं पूरा छल्ली होने वाली है, उसकी मुंडी छल्ली होने वाली है। तो भैया थम इंप्रेशन करो भैया और बड़ा लाइक ठोक दो बंदे के लिए। तो ये क्या है आपका भाई पूरा एक ही वीडियो के अंदर एक्सेल, क्योंकि एक्सेल से क्वेश्चंस बनते हैं, तो एक ही वीडियो अगले संडे को 8 दिन बाद आपका भाई एक और मैराथन करने वाला है, उसमें पूरा A to Z एक्सेल आपका भाई पढ़ाने वाला है, ठीक है। तो ये मेरे दोस्तों, क्या आपको ये इंफॉर्मेशन अगर सही लगी है तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ फैला दो, ठीक है। चलो भैया अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्या है कि बेस्ड ऑन द स्टोर कैपेसिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी स्मॉलेस्ट चीज है कि, चलो भैया निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी है जो क्या करती है आपका मेरे भाई, सबसे कम डेटा को स्टोर करके रखती है, बताइएगा। एक्सेल पढ़ाने वाला आपका भाई एक ही वीडियो में एक्सेल, ठीक है, एक ही वीडियो में आपका भाई एक्सेल पढ़ाने वाला है, आपको टेंशन ना लें आप। तो वो है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क। क्यों? देखो ब्लू रे डिस्क करती है आपका 50 GB का डेटा, और नहीं 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 वो है आपकी फ्लॉपी डिस्क। क्यों? क्योंकि फ्लॉपी डिस्क 128 KB का डेटा स्टोर करके रखती है, और ब्लू रे डिस्क आपका क्या करती है, आपका 50 GB का डेटा स्टोर करके रख सकती है। हार्ड डिस्क 1 TB में आती है, और आपका कॉम्पैक्ट डिस्क होती है 700 MB। तो 700 MB से सबसे कम क्या होती है आपकी फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क क्या है आपकी, वो कितने साइज की,
3.5 यानी 3 सही 1/2 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो 128 KB का डेटा स्टोर करके रख सकती है। और मैक्सिमम एक फ्लॉपी डिस्क आती है वो क्या होती है, 20-48 KB का डेटा स्टोर करके रखती है और ज्यादा ये स्टोर करके नहीं रख पाती है। तो भैया 400 जो गए थे भैया उन्हें वापस लेकर आओ यार, कहाँ गए भाई, कहाँ गए 400। चलो भैया आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिक्स सेल, निम्नलिखित में से कौन सा यूनिक्स सेल नहीं है। चलो भैया निम्नलिखित में से कौन सा यूनिक्स सेल नहीं है बताओ भैया, कौन है भाई? रितेश वर्मा, मैंने सर 12 घंटे की वाली क्लास देखकर अगस्त में 44 मार्क्स प्राप्त किए, सीपीसीडी की मुंडी में छेद कर दिया, थैंक यू मेरे दोस्त और कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। चलो चलो आगे बढ़ जाएगा और जल्दी जल्दी हम मूव करते हैं। और क्या है आपका, देखो सी सेल होता है, बाउंड सेल होता है, आपका बॉम्ब सेल नहीं होता है और ये कर्न सेल होता है। बॉम्ब सेल क्या होता है, आपके मैक के अंदर होता है, मैक के अंदर जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर आपका बॉम्ब सेल होता है, लेकिन यहाँ पर यूनिक्स के अंदर आपके सेल मौजूद होते हैं। आगे बढ़ जाएगा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, वो शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना ही दहाड़ोगे। बहुत बढ़िया, निम्नलिखित में से कौन निर्देशों को मशीनी भाषा में संकलित किए बिना सीधे निष्पादित करता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस विदाउट प्रॉपरली कंपाइलिंग देम इनटू अ मशीन लैंग्वेज। भैया कौन है ऐसा जो बिना कंपाइल करे चीजों को एक्सप्लेन कर देता है, उसके अंदर ऐड कर लेता है, भैया बताओ क्या वो कंपाइलर है या फिर वो राउटिंग बाय लाइब्रेरी है या फिर पर्सर है या फिर वो इंटरप्रेटर है, बताइएगा भैया कौन विदाउट कंपाइल करे आपका क्या कर देता है मेरे भैया, ये आपकी मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है, तो वो होता है आपका इंटरप्रेटर। ये कंपाइलर तो क्या करता है, पहले पूरे पेज को कन्वर्ट करता है फिर जाकर उसको देता है, बट ये क्या करता है लाइन बाय लाइन चीजों को कन्वर्ट करता है, तो ये क्या है विदाउट कन्वर्ट किए भी मशीन लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड कर सकता है, कौन कंपाइलर। और कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते क्या है, तो ये आपके ट्रांजिस्टर होते हैं, अगर आपसे कभी पूछा जाए तो क्या होते हैं, तो मेरे भाई ये ट्रांजिस्टर होते हैं, ठीक है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजीज डिस्क्राइब द स्टेट इन विच ईच नंबर ऑफ अ ग्रुप इन वेटिंग फॉर सम अदर मेंबर टू रिलीज ऑन रिसोर्स, मतलब कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली उस स्थिति का वर्णन करती है जिसमें एक समूह का प्रत्येक सदस्य किसी अन्य सदस्य द्वारा संसाधन जारी करने की प्रतीक्षा करता है। दीजिएगा भाई आंसर, जल्दी दीजिएगा आंसर, कौन दीजिएगा जी। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं है, अरे वाह, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं है, हौसलों ने मंजिल से कहा, हौसलों ने आंखों में आंखें डालकर मंजिल से कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औखाद नहीं है, अरे वाह। चलो भैया आंसर क्या है, आंसर आपका आंसर है ये डेडलॉक। ये देखो डेडलॉक होता क्या है कि अच्छा जी मैंने बोला कि ये कोई एक शॉप है जिसके अंदर एक प्रोडक्ट रखा हुआ है, एक कोई प्रोडक्ट है और ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है, और ये व्यक्ति बोल रहा नहीं ये मुझे चाहिए और ये बी व्यक्ति बोल रहा नहीं ये मुझे चाहिए, क्या चाहिए, ये ए व्यक्ति बोल रहा कि भैया नहीं ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए और बी व्यक्ति बोल रहा नहीं सर ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, ठीक है। तो ऐसा ये प्रोडक्ट क्या है, क्या दो में से किसी एक को मिलेगा, जी नहीं, फिर ये प्रोडक्ट दोनों की लड़ाई होती रहेगी, ना ये प्रोडक्ट ए को मिलने वाला है ना ये प्रोडक्ट बी को मिलने वाला है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये स्थिति क्या कहलाती है, डेडलॉक कहलाती है। जैसे मैं बोलूं ये प्रिंटर रखा हुआ है, अब P1 प्रोसेस बोल रही है नहीं प्रिंटर का मुझे एक्सेस करना है और P2 प्रोसेस बोल रही है नहीं प्रिंटर का मुझे एक्सेस करना है, तो ऐसी स्थिति अगर बनी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर तो ना ही P1 इसको एक्सेस कर पाएगा और ना ही P2 इसे एक्सेस कर पाएगा, और इस स्थिति को क्या बोलते हैं हम, डेडलॉक कहते हैं। तो कंप्यूटर कहां किस में चला जाता है, आपके डेडलॉक में चला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा, टू क्रिएट अ फाइल इन लिनक्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ कमांड इज यूज्ड, यानी निम्न में से फाइल बनाने के लिए और लिनक्स के अंदर कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है, फाइल क्रिएट करने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है, बताइएगा भैया फाइल को बनाने के लिए, कौन कमांड का, कैट कमांड का, कॉपी कौन का, क्रिएट का, बताओ किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, जल्दी बताइएगा।
जल्दी आंसर दीजिएगा, वो है आपका कैट कमांड। कैट कमांड की मदद से क्या होता है, लाइनक्स के अंदर मेरे दोस्तों आपकी जो फाइल्स होती हैं उन्हें क्रिएट करने के लिए किया जाता है कैट कमांड का प्रयोग। अगला क्वेश्चन, आप प्लॉटर इज, प्लॉटर क्या है बताइएगा, प्लॉटर क्या है बताइएगा जल्दी। चलो भाई प्लॉटर क्या है बताइएगा। तो प्लॉटर आप अच्छी तरह से जानते हैं क्या रहता है, प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस रहता है। प्लॉटर क्या है मेरे दोस्तों, प्लॉटर एज अ आउटपुट डिवाइस की तरह फंक्शन किया जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट। और प्लॉटर होता क्या है जरा समझिएगा, प्लॉटर क्या रहता है आपका, प्लॉटर प्रिंटर से एक बड़ा रूप होता है। प्लॉटर क्या है, प्रिंटर का एक ऐसा बड़ा रूप है जिसकी मदद से क्या की जाते हैं, फ्लेक्स बैनर हुए या फिर आपके फ्लेक्स बैनर होते हैं या फिर मैं बात करूँ आपकी जो जो आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग्स होती हैं, इन चीजों को प्रिंट कराने के लिए जिस बड़े प्लॉटर का, बड़े प्रिंटर का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्लॉटर कहते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इंकजेट एंड लेजर प्रिंटर आर एग्जांपल ऑफ प्रिंटर्स। जो इंकजेट और लेजर प्रिंटर होते हैं वो किसका एग्जांपल है, क्या वो इंपैक्ट का है, लाइन प्रिंटर के हैं, डॉट मैट्रिक्स के हैं या फिर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल है बताइएगा। जो है आपके कौन, आपका इंकजेट एंड लेजर प्रिंटर किसके एग्जांपल है बताइएगा जल्दी। इंकजेट और लेजर प्रिंटर वेरी गुड, ये क्या होते हैं आपके, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल होते हैं। और इंकजेट प्रिंटर हुआ, लेजर प्रिंटर हुआ, थर्मल प्रिंटर हुआ, बबल प्रिंटर हुआ, 3D प्रिंटर हुआ, ठीक है, और इंकजेट प्रिंटर हुआ, लेजर प्रिंटर हुआ, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके, इंपैक्ट नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। और अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हुआ, किसकी बात करें डॉट मैट्रिक्स की, एक होता है आपका डेसी व्हील प्रिंटर हुआ, और एक होता है आपका बैंड प्रिंटर हुआ, एक होता है आपका ड्रम प्रिंटर हुआ, और एक होता है आपका चैन प्रिंटर हुआ। ये जो प्रिंटर हैं ये आपके इंपैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं। इन्हें इंपैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में क्यों रखा जाता है, क्योंकि यह जो प्रिंटर्स होते हैं क्या, ये जो प्रिंटर होते हैं क्या करते हैं मेरे दोस्तों, इनमें हैमर और रिबिन का प्रयोग किया जाता है। मतलब हैमर और रिबिन की टेक्निक पर ये प्रिंटर बने होते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं आपके इसलिए ये इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। आगे मूव कर जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा भैया, क्या प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पोल का उपयोग माउस और मॉडेम जैसे उपकरण को जोड़ने के लिए किया जाता है। माउस और मॉडेम को जोड़ने के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं बताओ भैया, यानी कौन सी चीज का, कौन से पोर्ट का, क्या सीरियल पोर्ट का, पैरेलल पोर्ट का, इंफ्रारेड पोर्ट का या फिर AGP पोर्ट का, किस पोर्ट का प्रयोग करते हैं आपके मॉडेम को जोड़ने के लिए। मेरे भाई और मेरे प्यारे से दोस्तों, क्लास को शेयर जरूर कर दो यार, क्लास को शेयर कर दो भाई, ज्यादा से ज्यादा दोस्त यार भाई बहन जहां जहां शेयर कर सकते हो वहां कर दो यार, नहीं तो दिल टूट जाएगा भाई का आपके का, ठीक है, आपके भाई का दिल टूट जाएगा यार। चलो भैया आगे बढ़ जाएं, चलो आगे। तो वो है आपका सीरियल पोर्ट। ये मॉडेम के बारे में अगर आपसे बात करें कि भैया मॉडेम को कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का प्रयोग करते हैं, तो आप बता दीजिएगा कि सीरियल पोर्ट का प्रयोग करते हैं। और भैया नोटिस कर रहा हो ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, ये क्वेश्चंस 8 अगस्त को आए थे कि नहीं आए थे, ये हजटेस यही क्वेश्चन पूछा था कि एक्सटर्नल मॉडेम को कनेक्ट करने के लिए किस डिवाइस का या फिर किस पोर्ट का प्रयोग करते हैं, तो मॉडेम पोर्ट का प्रयोग कर, सॉरी तो आपका सीरियल पोर्ट का प्रयोग करता है। और अगर आपको किसका पूछा जाए, आपके प्रिंटर का पूछा जाए कि प्रिंटर को आपका जो मदरबोर्ड होता है प्रिंटर को कहां पर कनेक्ट कर देते हैं, प्रिंटर को कहां पर कनेक्ट किया जाता है, तो वो आपका पैरेलल पोर्ट पर कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। अगर आपसे प्रिंटर के बारे में पूछें तो आप बता दीजिएगा पैरेलल पोर्ट पर करते हैं। अगला, फाइंड ऑड वन आउट, निम्नलिखित में से अलग कौन है बता दीजिएगा, क्या माइक्रोफोन है या फिर प्रिंटर है, माउस है, ट्रैक बॉल है, बताओ निम्नलिखित में से अलग कौन है बताइएगा।
निम्नलिखित में से अलग कौन है? तेरे गिरने से तेरी हार नहीं हूं, तेरे गिरने से तेरी हार नहीं है, तू इंसान है अवतार नहीं है, गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जिंदगी सच संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं है। अरे वाह 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 दीक्षा, बहुत गजब बहुत गजब। आगे आ जाएं, चलो भैया बढ़िएगा आगे। और माइक्रोफोन देखो इनपुट डिवाइस है, और माउस इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है, लेकिन आपका प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। इसलिए यहां पर प्रिंटर क्या होने वाला है? आपके ओड के अंतर्गत आने वाला है। मेरा फोकस रहेगा आज कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊं, आज मेरा ये फोकस है, ठीक है? तो बस यही फोकस को मैं आगे बढ़कर दिमाग में रखकर आपसे बढ़ता हूं आगे। कंट्रोल अल्ट शिफ्ट को क्या कहते हैं, कौन सी कीज कहा जाता है बताइएगा? कंट्रोल शिफ्ट अल्ट को कौन सी कीज बोलते हैं बताइएगा जल्दी? क्या इन्हें मॉडिफाई की कहते हैं, एरो की कहते हैं, फंक्शन की कहते हैं, या फिर अल्फा न्यूमेरिक की कहते हैं? कौन सी कीज कहा जाता है बताइएगा? चलो कौन सी कीज कहते हैं? तो इन्हें मॉडिफाई या फिर इन्हें कॉम्बिनेशन कीज कहते हैं। कॉम्बिनेशन की क्यों कहते हैं? कॉम्बिनेशन की क्योंकि मेरे भाई जो आपका मॉडिफाई या कॉम्बिनेशन की का मतलब क्या होता है कि ऐसी की जो आप अपने आप में एक सिंगल यूज, उनका कुछ भी नहीं है, आपका उन कीज को प्रयोग करने के लिए आपको किसी दूसरी की का भी साथ में यूज करना पड़ेगा, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? मॉडिफाई या फिर कॉम्बिनेशन की भी कहते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या रहा है? सीआईटी एलसीडी टीएफटी और एलईडी आर टाइप ऑफ किसके प्रकार हैं बता दीजिएगा? ये सभी के सभी किसके टाइप हैं? आंसर दीजिएगा जल्दी। ये जो सभी हैं वो किसके टाइप हैं? जल्दी बताइएगा। तो ये क्या है? आपके मॉनिटर के प्रकार होते हैं, मॉनिटर के टाइप होते हैं। सीआईटी होता है आपका कैथोड रे ट्यूब, और एलसीडी होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, टीएफटी होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, और एलईडी होता है आपका लाइट इमिटिंग डायोड। आगे बढ़िएगा और अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दीजिएगा मेरे दोस्तों आंसर। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ अ प्रिंटर, यानी निम्नलिखित में से आपका स्पीड प्रिंटर का मेजरमेंट किस में किया जाता है बताइएगा भाई? इस मेजरमेंट इस लेजर प्रिंटर का सॉरी प्रिंटर्स का मेजरमेंट किस में किया जाता है, ये आपसे पूछा है उन्होंने, बताओ जल्दी बताओ। चलिएगा भैया किसमें किया जाता है आपका? देखो आपका ये सीपीएस में भी किया जाता है, एलपीएम में किया जाता है, पीपीएम में भी किया जाता है। तो ये आपका आंसर होने वाला है डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कैरेक्टर पर सेकंड में भी करते हैं इसको, और आपका भैया लाइन पर मिनट में भी इसको, कैरेक्टर पर मिनट में भी मापा जाता है, कैरेक्टर पर मिनट में भी, लाइन पर मिनट में भी मापा जाता है, और पेज पर मिनट में भी इसे मापा जाता है। तो आंसर उपरोक्त सभी यहां पर होने वाला है। और मेरे दोस्तों वैसे यहां पर अगर बात करें हम, कैरेक्टर पर मिनट नहीं होता है वैसे तो, अगर सही से बात करें तो ये क्या होता है आपका? कैरेक्टर कैरेक्टर पर सेकेंड होता है, ये सेकेंड होता है, ये मिनट नहीं होता है। आगे बढ़ जाए, चलो आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहने का मतलब है सिंपल सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ इनपुट डिवाइसेस बताओ भाई, कौन सा इनपुट डिवाइसेस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइसेस नहीं है बताइएगा? कौन सा इनपुट डिवाइसेस नहीं है? माउस नहीं है, माइक्रोफोन नहीं है, प्रिंटर नहीं है, या फिर सॉरी आपका कीबोर्ड नहीं है, प्रिंटर नहीं है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो आपका प्रिंटर नहीं है, इनपुट डिवाइसेस। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगले प्रश्न का कहना है निम्नलिखित में से इन अ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो बताओ भैया ये डॉट मैट्रिक्स आपका नॉन इंपैक्ट नहीं है, सॉरी
आपका लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट नहीं है, और आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका क्या है, नहीं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, सॉरी सॉरी सॉरी, निम्नलिखित में से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो देखो भैया यहाँ पर आपका डॉट मैट्रिक्स भी नॉन इम्पैक्ट है, और आपका यहाँ पर डेसीबिल भी नॉन इम्पैक्ट है, और लाइन प्रिंटर भी नॉन इम्पैक्ट है, तो लेजर प्रिंटर नहीं आंसर होना चाहिए यहाँ कि नॉन इम्पैक्ट नहीं। सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा कहाँ दिमाग चल रहा है यार, सॉरी सॉरी, क्षमा चाहता हूँ क्षमा चाहता हूँ क्षमा। ये आपका इम्पैक्ट है, ये इम्पैक्ट है, और ये इम्पैक्ट है, और लेजर प्रिंटर आपका नॉन इम्पैक्ट होता है। थोड़ी क्षमा चाहता हूँ, दिमाग मेरा उल्टा चल गया मेरे दोस्त। आगे इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन आपको नीचे मिल जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूएसबी टाइप्स, निम्नलिखित में से कौन सा यूएसबी का प्रकार नहीं है, बताइएगा भैया। निम्नलिखित में से कौन सा यूएसबी का प्रकार नहीं है? क्या आपका यूएसबी यूएसबी बी 5 पिन एंड यूएसबी बी 5 पिन, बीएसबी बी 5 पिन होता है, ए होता है, ई होता है, सी होता है, बताओ कौन कौन सी यूएसबी का प्रकार होते हैं और कौन सा नहीं है यूएसबी का टाइप, बताइएगा। यूएसबी का टाइप नहीं है, यूएसबी का टाइप नहीं है, बताइएगा, बताइएगा कि कौन सा यूएसबी का टाइप नहीं है। अरे मेरे दोस्तों बता दीजिएगा कौन सा, अरे मेरे प्यारे से शेर और शेरनियों, तो ये आपका सी जो है वो यूएसबी, ई जो है वो यूएसबी का टाइप नहीं होता है, आपका बी यूएसबी का टाइप होता है, ए यूएसबी का टाइप होता है, सी यूएसबी का टाइप होता है, लेकिन आपका जो ई है वो आपके यूएसबी के टाइप के बारे में नहीं आता। और अगर आपसे यूएसबी के वर्जन की बात करें, किसकी बात करें कि यूएसबी के वर्जन कितने होते हैं, तो यूएसबी के टोटल 7 वर्जन होते हैं। और अगर आपसे पूछे कि दोस्त वो कौन कौन से यूएसबी के वर्जन होते हैं, वो ये बात है आपका मेरे भाई, आपका ये होता है यूएसबी 1.0, एक होता है यूएसबी 1.1, यूएसबी 2.0, और एक होता है आपका यूएसबी यूएसबी 3.0, यूएसबी 3.1, और यूएसबी 3.2, और एक होता है यूएसबी आपका 4। ये टोटल कितने वर्जन होते हैं आपके? 7 वर्जन होते हैं। ये 1996 से स्टार्ट होता है और आपका 2019 के अंदर यूएसबी 4 आपका आता है। वैसे तो सन बताने को मैं पूरा बता सकता हूँ, बट मेरा फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस में आज आपको सॉल्व करा दूं। ठीक है, तो चलो भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज यूजेस कैपेसिटर एंड हेंस दे नीड पेरियोडिक रिफ्रेंस रिफ्रेशिंग, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सॉरी कैपेसिटर का उपयोग करती है और इन्हें इसलिए इन्हें समय समय पर रिफ्रेश की आवश्यकता होती है, बताओ भैया ऐसी कौन सी मेमोरी है जहां पर आपको उसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि डी रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, जिसका पूरा नाम क्या होता है? डायनेमिक रैम होता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी उसे कहा जाता है। ये क्या है? रैम का आपका एक प्रकार होता है, और एक रैम का प्रकार होता है एस रैम, जो एज अ कैश मेमोरी की तरह वर्क करता है, जो कंप्यूटर की फास्टेस्ट मेमोरी होती है। क्या होती है मेरे दोस्तों? उसे हम कंप्यूटर की फास्टेस्ट मेमोरी के अंतर भी रख सकते हैं। यूपीएस का पूरा नाम क्या होता है, बता दीजिएगा जल्दी, यूपीएस का पूरा नाम क्या? यूनिक पावर सप्लाई होता है, सिस्टम होता है, या अनट्रप्टेबल पावर सप्लाई होता है, या फिर आपका यूनिवर्सल पावर सोर्स होता है, या फिर यूनिवर्सल सोर्स सिस्टम होता है, तो बता दीजिएगा। तो यूपीएस का पूरा नाम अच्छी तरह से पता है आपको, क्या होता है मेरे दोस्तों? यूनिट्रप्टेबल क्या है? यूनिट्रप्टेबल पावर सप्लाई आंसर इसका होता है। आगे बढ़ जाएं, चलो आगे चलते हैं और मेरे भाई ऑप्शन पर देखते हैं, अगला आंसर समझते हैं कि स्टैंडर्ड सिंगल सिंगल साइडेड सिंगल लेयर डीवीडी होल्ड अप टू, यानी मानक एक तरफ सिंगल लेयर डीवीडी तक रखती है, मतलब सिंगल लेयर डीवीडी कितना डेटा रख सकती है? सिंगल लेयर जो डीवीडी होती है वो कितना डेटा अपने पास रख सकती है, बता जल्दी, सिंगल लेयर डीवीडी कितना रख सकती है? तो वो होती है आपकी 4.7 जीबी, यानी सिंगल लेयर डीवीडी आपका 4.7 जीबी का डेटा स्टोर करके रख सकती है। आगे बढ़ जाएं, चलो आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा मेरे दोस्त, अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज्ड बाय अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, मतलब कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले निर्देशों की सूची कहलाती है, निर्देशों की सूची, कंप्यूटर के द्वारा यूज की जाने वाली निर्देशों की सूची क्या कहलाती है?
आपका डेटाग्राम कहलाती है, डेटा कहलाती है, टेक्स्ट कहलाती है, या फिर इनपुट कहलाती है? बताइएगा जल्दी क्या कहलाती है। चलो भैया क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? आपका वो इनपुट कहलाती है, इनपुट। अरे कंप्यूटर को निर्देश दिए जाएंगे, निर्देश क्या कहलाते हैं? इनपुट ही तो कहलाते हैं भैया। सॉरी 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 सॉरी, प्रोग्राम लिस्ट ऑफ, अरे रे 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 रे, गलत हो गया। लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉरी 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 सॉरी, इसलिए आंसर क्या होगा आपका? प्रोग्राम। अरे लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम कहलाएगा, सॉरी। और यहीं पर अगर ऐसे आंसर आ जाता तो यहां पर अगर लिखा होता आपका लिस्ट ऑफ प्रोग्राम, लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स, तो क्या आंसर होता बताओ? चलो भैया क्या होना चाहिए? बहुत बढ़िया सोनम कुशवा, बहुत बढ़िया। तो क्या होना चाहिए वहां पर? आंसर सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अगर लिस्ट ऑफ प्रोग्राम होता तो सॉफ्टवेयर आंसर होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ साउंड कार्ड इज ऑल्सो नोन एज अ, साउंड कार्ड को और क्या कहा जा सकता है? बताइएगा। कुछ सेकंड का मैं आपको समय दिया करूंगा और उसके बाद मैं आपसे बोला करूंगा। बताओ भैया साउंड कार्ड का दूसरा नाम क्या है? साउंड कार्ड का दूसरा नाम क्या है? जल्दी, ऑडियो कार्ड। साउंड कार्ड का दूसरा नाम क्या होता है? तो साउंड कार्ड का दूसरा नाम ऑडियो कार्ड होता है। ठीक है दोस्तों, साउंड कार्ड का पूरा दूसरा नाम क्या होता है आपका? ऑडियो कार्ड। आगे बढ़ जाए, चलो आगे चलते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऑडियो कार्ड किस प्रकार का डिवाइस है, क्या ये इनपुट डिवाइस है या फिर ये आउटपुट डिवाइस है, तो आप बता दीजिएगा ये बोथ है। बोथ बोले तो क्या ये इनपुट डिवाइसेस भी है और ये आपका आउटपुट डिवाइसेस भी है, ये बोथ होता है। आगे बढ़ जाए और अगला बढ़ते हैं। ओसीआर का पूरा नाम, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है ओसीआर का पूरा नाम, ठीक है? तो देख लीजिएगा और लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में ऑप्टिकल को म्यूजिक रिकॉग्निशन। नहीं भैया ये म्यूजिक रिकॉग्निशन तो होता ही नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन कह रहा है अपना, क्या बोल रहा है अगला ऑप्शन? कि ऑप्टिकल को म्यूजिक, म्यूजिक नहीं होता यार, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये हो सकता है आपका आंसर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हो सकता है आंसर। विच इज द रिकॉग्निशन ऑफ टेक्स्ट कैरेक्टर बाय द कंप्यूटर, बहुत बढ़िया, ये आपका आंसर है। सी आपका आंसर करेक्ट आंसर है, क्योंकि ओसीआर का पूरा नाम क्या होता है आपका? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ही होता है। देखो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन विच इज द रिकॉग्निशन ऑफ टेक्स्ट कैरेक्टर्स बाय अ कंप्यूटर, यानी बाय कंप्यूटर के द्वारा जो टेक्स्ट लिखे जाते हैं, जो बोल पढ़े जाते हैं, वो आपका ओसीआर के द्वारा पढ़कर कंप्यूटर को प्रोवाइड करने का काम क्या होता है? एज अ इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में कंप्यूटर को ये प्रोवाइड करता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखो जरा, विंडोज 7 संस्करण में विंडोज 7 इंटरप्राइज जैसी ही विशेषताएं हैं, मतलब एडिशनल जो है वो आपका विंडो इंटरप्राइज जैसी ही विशेषताएं हैं, लेकिन इंटरप्राइज संस्करण के विपरीत यह व्यक्तिगत लाइसेंस के आधार पर घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए मतलब आम व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। चलो भैया बताइएगा आंसर जल्दी, बताओ भैया वो क्या है आपका? ये है आपका अनलिमिटेड, सॉरी अल्टीमेट, अल्टीमेट जो अल्टीमेट वाला आपका यूएसबी का संस्करण है। देखो आपका प्रोफेशनल भी है, बट ये प्रोफेशनल का प्रयोग ऑफिस वर्क के लिए करते हैं, होम प्रीमियम भी होता है, बट होम बेसिक भी होता है, लेकिन ये दोनों यूज नहीं किए जाते हैं। ज्यादातर कौन सा यूज किया जाता है? आपका अल्टीमेट, आपका अल्टीमेट घरेलू उपयोग के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है आगे बढ़ जाए, चलो आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मदरबोर्ड क्या है? बताओ भैया मदरबोर्ड क्या है, आंसर दीजिएगा। मदरबोर्ड क्या है? यह एक बड़ा स्टोरेज डिवाइस है, या फिर यह एक ऐसी जगह है जहां सीपीयू, मेमोरी और अन्य डिवाइसेस कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, या फिर यह प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम है, या फिर यह एक प्रकार का ब्लैक बोर्ड है। बताओ मदरबोर्ड क्या है, मदरबोर्ड क्या है,
मदरबोर्ड क्या है? तो ये मदरबोर्ड हुआ है एक कंप्यूटर के अंदर एकमात्र हुआ है जगह होती है जहां पर सारे माउस कंप्यूटर जो भी होते हैं उन्हें कनेक्ट करके रखा जाता है। कहां पर? मदरबोर्ड पर। आगे मूव कर जाएं, चलो भैया आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंप्रेस ओनली इनपुट डिवाइसेस, मतलब निम्नलिखित में से किस समूह के केवल इनपुट डिवाइस शामिल हैं? बताओ भैया किस में केवल इनपुट डिवाइस है, बताओ निम्न कौन सी इनपुट डिवाइस है ओनली। चलो निम्न में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइसेस शामिल है? तो कीबोर्ड, स्कैनर, माउस। जी भैया की प्रिंटर नहीं। तो क्या है आपका? ए करेक्ट है, यानी आपका कीबोर्ड, स्कैनर, माउस ये क्या होते हैं आपके इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आते हैं। आगे मूव करते हैं, चलो आगे मूव करते हैं। और OCR का स्टैंडर्ड फॉर्म आप अच्छी तरह से जानते हैं, अभी हाल ही में ही आंसर देखा था। OCR का पूरा नाम होता है, तो क्या होता है? आउटसाइज कैरेक्टर रीडर नहीं, ऑपरेशंस कैरेक्टर रीडर नहीं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जी बिल्कुल, क्या रहता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी बोल सकते हैं और उसे रीडर भी कहा जा सकता है। चाहे आप रीडर बोल लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और चाहे आप रिकॉग्निशन बोल दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ जाए, चलो भैया आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनपुट आउटपुट डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? बताओ भैया, क्या वो LCD नहीं है, टच स्क्रीन नहीं है, CRT नहीं है या प्रिंटर नहीं है? बताओ। तो देखो आपका LCD आउटपुट है, CRT आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, बट आपका जो जो आपका टच स्क्रीन है ये आपका इनपुट भी है और ये आपका आउटपुट भी है। तो यहाँ पर इनपुट की तरह ये फंक्शन ये मान रहे हैं, तो आपका टच स्क्रीन अलग हो गया, टच स्क्रीन आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो पिक्सल क्या होता है, पिक्सल क्या होता है बताइएगा भैया? पिक्सल की डेफिनेशन बताना है कि एक तस्वीर का सबसे छोटा हल करने योग्य हिस्सा, द स्मॉलेस्ट रिजोल्विंग पार्ट ऑफ पिक्चर हो सकता है। आप प्रोग्राम तो बिल्कुल भी नहीं है, आप पिक्चर रिस्टोर्ड इन नहीं, ये भी तो बिल्कुल नहीं है, आप प्रोग्राम ये भी बिल्कुल नहीं है। तो भैया बिल्कुल आपका क्या होता है, आपका जो रिजोल्यूशन है वो पिक्चर का सबसे छोटा हुआ है हिस्सा होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? पिक्चर का सबसे छोटा हुआ है हिस्सा होता है, जिसकी मदद से क्या की जाती है आपकी पिक्चर की यूनिट या फिर उसे कैलकुलेट किया जाता है कि भैया ये पिक्चर के अंदर कितना रेजोल्यूशन है, ये सारी चीजें पता की जाती है, ठीक है। तो पिक्चर का सबसे छोटी यूनिट की अगर हम बात करें, अगर आपसे बोला जाए पिक्चर की सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो आपका अगर मैं बात करूं पिक्चर की सबसे छोटी यूनिट का, तो वो आपका पिक्सल ही होती है। क्या होती है? पिक्सल या फिर डॉट होती है, डॉट या पिक्सल दो में से कोई एक होता है, ठीक है। और ये होती क्या है? ये मॉनिटर की विशेषता होती है। कौन? पिक्सल। जो पिक्सल है वो क्या है मेरे दोस्त? मॉनिटर की विशेषता है। आगे बढ़ जाए, चलो आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि विच अमोंग द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम, यानी सबसे कम शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम किसका है? और सबसे कम एक्सेस टाइम होगा तो वो फास्टेस्ट होगा, सबसे ज्यादा स्पीड होगी, मतलब कि जो एक्सेस करने में सबसे कम समय ले, जो कम समय लेता है, ऐसा कौन सी मेमोरी है जिसका एक्सेस टाइम सबसे कम है? बताओ भैया, या फिर दूसरी भाषा में बोलना फास्ट है, तो वो है आपकी कैश। जो कैश मेमोरी है उसका एक्सेस टाइम क्या होता है? सबसे कम होता है। अरे एक्सेस टाइम का मतलब वो एक्सेस टाइम कम होगा तभी तो स्पीड बढ़ेगी, और आपकी कैश मेमोरी की स्पीड क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है। आगे बढ़ जाए और अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? माउस और भी इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, मतलब कहने का मतलब ये है इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? क्या प्रिंटर है, स्पीकर है, मॉनिटर है, स्कैनर है? तो आप अच्छी तरह से जानते हैं स्कैनर आपका क्या होता है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे दोस्तों? देखिएगा कि लाइन, डेसी, व्हील, लेजर एंड ड्रम आर टाइप ऑफ, किसके टाइप है? क्या प्रिंटर के हैं, प्लॉटर के हैं, फोटोकॉपीज के हैं या फिर स्कैनर के हैं? बताओ भैया किसके टाइप हैं? आपके लाइन प्रिंटर हुआ है, लाइन, डेसी, व्हील, लेजर, ड्रम, ये किसके टाइप हैं? तो ये आपके प्रिंटर के टाइप हैं, क्योंकि लाइन प्रिंटर होता है, डेसी व्हील प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर होता है, ठीक है। तो ये क्या है? आपके प्रिंटर के एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे मूव कर जाइएगा, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा, क्या बोल रहा है
when we are using DPI in context of a laser printer, we are referring to the printers. जब हम लेजर प्रिंटर के संदर्भ में DPI का उपयोग कर रहे होते हैं, हम प्रिंटर की बात कर रहे हैं. मतलब DPI किस चीज से संबंधित है, अगर हम लेजर प्रिंटर की DPI के बारे में बात कर रहे हैं तो DPI क्या है, ये कहने का मतलब है. क्या वो DPI स्पीड है, या फिर वो एड्रेस है, या फिर रेजोल्यूशन है, या फिर वो स्पिन है, बताइएगा क्या है. DPI क्या है, बहुत गलत आंसर दे रहे हैं सबके सब. अरे सब गलत आंसर दे रहे हैं. अरे DPI क्या है या DPI डॉट पर इंच स्पीड थोड़ी होती है. प्रिंटर की स्पीड होती है आपका CPS होती है, LPM होती है, लाइन पर मिनट होती है, PPM होती है, ये होती है प्रिंटर की स्पीड. DPI प्रिंटर की स्पीड कब से होने लगी, DPI इकाई है रेजोल्यूशन की. अरे मरे भैया DPI इकाई है रेजोल्यूशन की. अरे यार अभी भी गलत आंसर दे रहे हैं. अरे भाई स्पीड कैसे हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, क्यों गलत आंसर दे रहा हूं, ठुकाई होगी, हाथ करो आगे. DPI नहीं हो सकती भैया, DPI कैसे हो जाएगी यार. आगे बढ़ जाओ, आगे हम बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं. भैया अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा. कहने का सिंपल सा मतलब है, इफ यू आर यूजिंग अ प्लॉटर यू आर यूजिंग एन. बताओ भैया, मतलब अगर आप प्लॉटर को यूज कर रहे हो तो आप किसका प्रयोग कर रहे हो प्लॉटर में, किसका प्लॉटर. मतलब कहने का सिंपल सा मतलब उनका ये है कि प्लॉटर क्या है, क्या ये आउटपुट का यूज, इनपुट का यूज कर रहा हो, आउटपुट का यूज कर रहा हो, इनपुट आउटपुट दोनों को कर रहा हो, या अल्ट्रा डिवाइस का कर रहा हो, बताओ. इफ यू आर यूजिंग अ प्लॉटर, जब आप प्लॉटर का यूज कर रहे हो तो आप किसका यूज कर रहे हो, बताइएगा किसका यूज कर रहे हो, किसका कर रहे हो, वो आपका आउटपुट डिवाइस का यूज कर रहा हो, ठीक है. तो प्लॉटर किसके अंतर्गत आता है, आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत तो आता है. तो आगे बढ़ जाएगा अगला क्वेश्चन, कि यदि आप सीरियल समांतर या एजीपी इंफ्रारेड का जिक्र कर रहे हैं तो आप इसके बारे में एक संदर्भ दे सकते हैं, क्या संदर्भ दे सकते हैं, बताओ भैया. मतलब अगर आप इन चीजों की बात कर रहे हैं तो इनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, ये पोर्ट पर जाकर कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है. इंफ्रारेड वगैरह जो है वो आपका पोर्ट यहाँ पर आंसर होने वाला है. अगला, अ लाइट पेन इज, लाइट पेन क्या है, बताओ. लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, या फिर टिन फिल्म ट्रांजिस्टर है, बताओ भैया. टिन फिल्म ट्रांजिस्टर है. लाइट पेन क्या है, लाइट पेन क्या है, बताइएगा. तो आप अच्छी तरह से जानते हैं लाइट पेन जो है किसके अंतर्गत आता है, आपके इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है. और अगर आपसे बात करें कि भैया लाइट पेन चलता कैसे है, तो लाइट पेन सेंसर की मदद से, लाइट पेन की जो निप होती है ना, निप, लाइट पेन की जो निप होती है, निप के अंदर क्या लगा होता है, आपका एक सेंसर लगा होता है जिसकी मदद से लाइट पेन क्या करती है, आपका कार्य करती है. आगे बढ़ जाए, चलो आगे. MP3 क्या है, बताओ भैया. MP3 एक है, क्या है MP3, क्या है MP3, क्या है MP3, एक साउंड फॉर्मेट है, या फिर हम बोले ऑडियो फॉर्मेट है, ऑडियो ऑडियो फॉर्मेट है, साउंड बोल दो या ऑडियो फॉर्मेट बोल दो, बात एक ही है. तो जो आपका क्या होता है MP3 क्या है, आपका एक ऑडियो फॉर्मेट है, ठीक है. आगे बढ़ जाओ, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन. क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, फिर ऑप्शन में आपको बता देता हूँ. यदि कोई फाइल डेटा दी जाती है, हटा दी जाती है, तो आप उसे इसमें पा सकते हैं, बताओ भैया. जो आपकी कोई फाइल डिलीट कर दी या हटा दी, तो आपको वो फाइल कहाँ मिल सकती है, बताइएगा कहाँ मिल सकती है आपको वो फाइल. बताइएगा कहाँ मिलती है वो फाइल. वो आपकी फाइल मिलती है आपको रिसाइकल बिन के अंदर. कहाँ मिलेगी आपको, आपके रिसाइकल बिन के अंदर वो फाइल आपको मिलने वाली है. आगे बढ़ जाए, चलो भैया अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है भैया, बता दीजिएगा. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है. कंट्रोल ऑल इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग
इन ऑपरेटिंग फॉर कंट्रोल पैनल नहीं, कंप्यूटर ओनली द स्टोरेज नहीं, आ कंट्रोल्ड बाय इनपुट, क्या होना चाहिए बताओ भैया? आपका सीपीयू क्या है? आप अच्छी तरह से जानते हैं कंट्रोल ऑल, यानी सीपीयू है आपका कंट्रोल ऑल इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग, यानी सीपीयू का काम होता है कि सारे के सारे जो इनपुट और आउटपुट होते हैं उन्हें कंट्रोल करना, और प्रोसेसिंग को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? आपके सीपीयू का होता है। आगे बढ़ जाएं, चलो आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा, क्या कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटीज स्पीड अप द डिस्क बाय रीअरेंजिंग द फाइल एंड फ्री स्पेस ऑन द सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता सिस्टम पर फाइलों और खाली स्थान को पुनर्व्यवस्थित करके डिस्क को गति देती है? मतलब खाली स्थान को व्यवस्थित करने का काम और कंप्यूटर को गति यानी आपको स्पीड प्रोवाइड करने का काम किसका है इसके अंदर? तो क्या वो वायरस का है, क्या वो डिस्क डिफ्रेगमेंटर का है, या फिर एडिटर का है, या फिर कंप्रेशन यूटिलिटी का है? डिफ्रेगमेंटर का है, बताइएगा भैया किसका काम है? बहुत बढ़िया, वो किसका काम होता है? आपके डिस्क डिफ्रेगमेंटर काम होता है, जो आपकी मेमोरी होती है उसमें से चीजों को क्या करने के लिए, मेमोरी में से चीजों को क्या इधर उधर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपके डिस्क डिफ्रे सॉरी जो कम चीजें होती है उन्हें क्या करने के लिए मेरे भाई, आपका रीअरेंज करने के लिए प्रयोग करते हैं डिस्क डिफ्रेगमेंटर का। ठीक है, तो इतना सा थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, आगे मूव करिएगा। और लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो देखो आपका लेजर नॉन इम्पैक्ट है, थर्मल नॉन इम्पैक्ट है, इंक जेट थर्मल नॉन इम्पैक्ट है, बट आपका डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है वो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा और अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में इमेज, टेक्स्ट, साउंड, एनिमेशन आदि शामिल होते हैं, जबकि ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में केवल, क्या मालूम होता है भैया ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर में इमेज होती है, साउंड होता है, या फिर आपका एनिमेशन होता है, या फिर वीडियो होती है? तो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के अंदर ओनली क्या मौजूद होती है? इमेज मौजूद होती है। ठीक है, क्या मौजूद होती है मेरे दोस्तों? इमेज मौजूद होती है। आगे बढ़ जाते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा मेरे भाई, क्या कहना है कि टू श्रिंक अ विंडो टू एन इनपुट, यानी एक विंडो को एक आइकन में सिकोड़ने के लिए, मतलब एक विंडो को एक आइकन में सिकोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं बताइएगा? विंडो को आइकन में, बताइएगा भैया? टू श्रिंक आ विंडो टू एन आइकन, तो ओपन आ ग्रुप विंडो, या फिर रिस्टोर आ विंडो, ये मैक्सिमम आ विंडो, या फिर आपका है आपका, बताओ भैया, ओपन अ ग्रुप विंडो या फिर रिस्टोर अ विंडो? चलो भाई बताइएगा, चलिए आंसर दीजिए। टू टू श्रिंक अ विंडो टू एन आइकन, बताइएगा क्या आंसर है इसका? मिनिमाइज विंडो। हेलो, हाँ बोलिए। कहाँ पे? हाँ बोलिए। तो क्या? हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या प्रॉब्लम है? हाँ 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 भैया, मेरे दोस्त कहाँ, बच्चा घर पर बैठा है तो खाना नहीं खा सकता बच्चा। हाँ भैया, मेरी क्लास चल रही है, काहे को टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, कहाँ से बोल रहे हो? हाँ तो क्लास बंद हो जाए, कॉल कर लेना 12 बजे। हाँ हाँ कर लेना, ठीक है, हाँ कर लेना, ठीक है, हाँ जी,
हाँ कर लेना कर लेना। चलो भाई चलें, चलो भैया आगे बढ़ जाएं। चलो चलते हैं आगे। क्या लिखा हुआ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव विच आर गिव्स बाय बिलो। बताइएगा भैया, आंसर दीजिएगा भैया। लाते हैं जल्दी फ्लो, देखते हैं क्वेश्चंस का, और देखो मेरे भाई देखो जरा आंसर को क्या है आपका। कहने का मतलब है निम्नलिखित कथनों में से विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करें। मतलब आपका जो कुछ कथन है और उसमें से नीचे दिए हुए सही विकल्प को आपको चयन करना है। रैम में रीड और राइट दोनों ऑपरेशन किए जाते हैं, जी बिल्कुल किए जाते हैं। और रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है, जी आपकी बिल्कुल मेमोरी है। मतलब रीड और राइट दोनों ऑपरेशन आपके रैम में होते हैं क्या, बताओ भैया क्या दोनों ऑप्शन होते हैं, बताओ बताओ भैया। रैम में रीड और राइट दोनों ऑप्शन होते हैं और रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है, बताइएगा। तो बहुत ही सही तरीके से आप बोल रहे हो कि जो रैम है आपका, रैम के अंदर आपके रीड और राइट दोनों ऑपरेशन होते हैं और रैम के अंदर रैम क्या होती है, आपके वॉलेटाइल मेमोरी भी होती है। तो आपका ये है आपका एक और दो आंसर आपका करेक्ट है, यानी फर्स्ट और सेकंड आपका बोथ आर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मेरे दोस्तों समझिएगा, यहाँ पर रैम आपका क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। और रैम के क्या होते हैं दो भाग, देखो मैं डिटेल में चल रहा हूं, जितने क्वेश्चन हो पाएंगे वो देख लेंगे, जितने हो पाएंगे वो नहीं देख पाएंगे, ठीक है। चलो बढ़िएगा मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा, बात इतनी सी सिंपल सी छोटी सी बात है। क्या है, जो आपकी रैम होती है, रैम दो पार्टों में डिवाइड होती है, एक कहलाती आपकी एस रैम और एक कहलाती आपकी डी रैम। तो जो एस रैम होती है इसे अपन एज अ कैश मेमोरी की तरह वर्क करते हैं, और जो आपकी डी रैम होती है इसे ऐसा मेन मेमोरी की तरह वर्क भी किया जाता है। और कैश मेमोरी जो है आपकी, इसके तीन पार्ट होते हैं, एक होता है L1, एक L1 होता है, L2 होता है और एक L3 होता है। L1 वाला जो पार्ट है 128 KB का डेटा स्टोर करता है, L2 वाला जो पार्ट होता है आपका क्या करता है मेरे भैया, आपका 512 KB का डेटा स्टोर करता है, और L3 वाला जो पार्ट होता है आपका 2048 KB का डेटा स्टोर करके रखता है। और अगर हम बात करें मेरे दोस्तों मेन मेमोरी की, तो आपकी रैम को आपका मेन मेमोरी कहा जाता है। और रैम के बारे में थोड़ी सी और अगर हम चर्चा करें, तो रन टाइम पर जो रन टाइम पर जो आपका डेटा होता है, अगर आपसे पूछा जाए कहां पर स्टोर किया जाता है, तो वो आपकी मेन मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। आगे मूव करता हूं और अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं और स्पीड बढ़ाते हैं मेरे दोस्तों। शेर और शेरनियों बहुत ही तगड़े तरीके से स्पीड देखते हैं। कंप्यूटर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उसके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक गणतियों की नियंत्रित करता है, बताओ। यानी कंप्यूटर के अंदर जो जितने भी ऑपरेशंस चलते हैं उन्हें नियंत्रित करने का काम कौन करता है, आपका कंप्यूटर के अंदर ऐसी कौन सी जगह है जो उन्हें नियंत्रित करने का काम करता है। कंप्यूटर का निम्न में से कौन सा भाग उसके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक गणितीय गतिविधियों को नियंत्रित कर सकता है, बताओ। क्या वो आपका एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है, या फिर वो इनपुट डिवाइस है, या फिर वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, या फिर वो आपका सीपीयू, या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। मैं 2 मिनट में आ रहा हूं मेरे दोस्तों, ठीक है। जब तक आंसर दीजिएगा और जाना कहीं नहीं है आपको, ठीक है। चलो भैया 2 मिनट में आ रहा हूं, 2 मिनट में।
भग गए क्या? अरे भैया चलेगा चलेगा, मत जाओ भैया, भाग गएगा साहब। मत भागो यार, बुलाकर लाओ। अरे सभी को बुलाकर लाओ भाई, सभी को। और इसके अगर हम आंसर की बात करें तो देखिएगा मेरे दोस्तों, आंसर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर कैन कंट्रोल एवरी एक्टिविटीज, पार्ट ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म बाय इट, यानी कंप्यूटर के द्वारा जो भी चीजें परफॉर्म की जाती हैं वो किसके द्वारा होती हैं मेरे दोस्तों? ये है आपके कंट्रोल यानी प्रोसेसिंग, आपके सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा, फिर मैं आपको ऑप्शंस दिखा देता हूं। क्या लिखा हुआ? कंप्यूटर ए है जैसे आमतौर पर बड़े आकार भंडार और संस्करण शक्ति के लिए जाना जाता है, और इसका उपयोग बड़े पैमाने पर कंप्यूटिंग, बड़े पैमाने पर कंप्यूटिंग यानी किस के पर्पस के लिए किया जाता है, बड़े पैमाने पर उसका कंप्यूटिंग का प्रयोग, यानी ऐसा कंप्यूटर जो बड़े पैमाने पर एज अ कंप्यूटिंग की तरह यूज किया जाता है, उसकी भंडारण कैपेसिटी क्या होती है? आपका हाईएस्ट कैपेसिटी उसकी होती है, क्या होती है मेरे दोस्तों? हाईएस्ट कैपेसिटी उसकी होती है डेटा को स्टोर करने की। तो वो कौन सा कंप्यूटर है? क्या वो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, या फिर वो पीडीए है? बताओ जल्दी, या फिर वो पीडीए, जल्दी बताइएगा। तो वो क्या है आपका? वो है मेरे दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या किया जाता है, इसे हम सर्वर भी बोलते हैं, इसे सर्वर भी कहा जाता है, इसे आपका अगर हम बोल सकते हैं रिमोट लॉगिन कंप्यूटर भी बोलते हैं, रिमोट लॉगिन कंप्यूटर भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर की स्पीड की, कि भाई इसकी स्पीड किसमें मापी जाती है, तो MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में क्या की जाती है, आपकी स्पीड मापी जाती है। किसकी मेरे दोस्तों? आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर की स्पीड। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगले क्वेश्चन का कहना है सिंपल सा, क्या कहना है? कैश मेमोरी इज implemented using which of the following, यानी कैश मेमोरी को निम्न में से किसका उपयोग करके कार्यान्वित किया जाता है, मतलब कौन सी मेमोरी का उपयोग करके कार्यान्वित किया जाता है आपका कैश मेमोरी को? तो बताओ भैया, बहुत से तो बच्चे जो होंगे गणपति बब्बा को सराहने जा रहे होंगे भैया, बहुत से आज अपने क्लास में कम बच्चे होने का सबसे बड़ा रीजन है अपने गणपति बब्बा मोरिया। एक बार बोल दो भैया, कमेंट सेक्शन में बोलोगे गणपति बब्बा मोरिया, जल्दी बोल दो, एक बार कमेंट सेक्शन में बोलोगे गणपति बब्बा मोरिया। चलो भाई, तो बताइएगा जो कैश मेमोरी है उसका हम एज अ किसकी मदद से यूज किया जाता है, वो आपकी एस रैम। अरे मैंने आपको अभी हाल ही में बताया था कि आपका एस रैम जो होता है वो एज अ कैश मेमोरी की तरह वर्क करता है, एज अ कैश मेमोरी की तरह वर्क करता है। कौन? आपका आपका कैश मेमोरी। तो मैंने आपको बताया था रैम का एक पार्ट होता है आपका एस रैम, जो एज अ कैश मेमोरी की तरह वर्क करता है। ठीक है, जिसको भी सीपीसीटी की मुंडी में छेद करना है तो भैया ये कंटिन्यू आप 12 बजे तक रुकोगे, आप 12 बजे तक रुकोगे कि नहीं रुकोगे? सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक रास्ता है, इसमें विश्वास करने वाले को सफलता जरूर मिलती है। जी भैया बिल्कुल मिलती है। गणपति बब्बा मोरिया, करो सबके काम सफल। चलो भैया, ड्राइवर सॉफ्टवेयर तो निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को प्रिंटर के साथ काम करने में सक्षम बनाता है? कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को कंप्यूटर प्रिंटर को कंप्यूटर के साथ सक्षम करने में सक्षम बनाता है, कार्य करने में सक्षम बनाता है? कौन सा है? तो वो होता है आपका ड्राइवर होता है, ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपने कंप्यूटर को ऑन कंप्यूटर को क्या कर दिया है मेरे दोस्तों, कंप्यूटर को आप सॉरी कंप्यूटर के अंदर आपने प्रिंटर लगा दिया, सपोज ये आपका कंप्यूटर है और इसमें आपने प्रिंटर को कनेक्ट कर दिया, जब तक आप प्रिंटर का ड्राइवर इसके अंदर इंस्टॉल नहीं करोगे, प्रिंटर का ड्राइवर जब तक आप इसके अंदर नहीं लगाओगे तब तक आप क्या नहीं कर सकते, प्रिंटर को एक्सेस नहीं कर पाते हो। ड्राइवर क्या होते हैं? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं मेरे दोस्तों? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। और अगर आपसे बोला जाए कि ड्राइवर्स किस लैंग्वेज के अंदर डिजाइन होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो ये जो ड्राइवर्स हैं वो आपके C++ लैंग्वेज के अंदर डिजाइन किए जाते हैं। जितने भी आपके ड्राइवर्स होते हैं, चाहे आपका आपका माउस का ड्राइवर हो, चाहे आपका प्रिंटर का ड्राइवर हो, चाहे आपका
चाहे आपका सीडी ड्राइवर हो, कोई सा भी हो, वाईफाई ड्राइवर हो, आपका ब्लूटूथ ड्राइवर हो, कोई सा भी एक्सवाईजेड ड्राइवर हो, वो आपके सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर ही डिजाइन किए जाते हैं। आगे बढ़ जाए, चलो अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देखिएगा मेरे दोस्तों, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी वॉज यूज्ड इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, यानी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर में किस किस चीज का प्रयोग किया जाता है, बताओ किन किन चीजों का प्रयोग किया जाता है। पाइटी बहुत, प्रतेश भाई, साजिया दीदी, सोनम कुशवाहा दी, क्या लिखा हुआ, वैष्णवी राठौर, मोहित, मीना, शिवम खरे और गुरुजी मेरे, मेरा हैप्पी बर्थडे आ रहा है, सभी को पार्टी देनी पड़ेगी ग्वालियर में, जय विलास पैलेस में। जी भैया बिल्कुल, जय विलास पैलेस में तेरे को पार्टी दे देंगे। चलो भैया आगे बढ़ जाओ, तो क्या है भैया आपका, यानी चौथी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था, बताओ भैया चौथी पीढ़ी के अंदर, चौथी पीढ़ी के अंदर आपका LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या आपका VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया था आपकी फोर्थ जनरेशन के अंदर। और अगर मैं बात करूं आपका MSI और SSI, ये जो दो हैं ये आपकी IC के टाइप होते हैं। और अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर की, तो ये जो ट्रांजिस्टर है सेकेंड जनरेशन के अंदर प्रयोग किया गया था। और कोई मुझे बता सकता है फोर्थ जनरेशन के अंदर आपका, या फिर फर्स्ट जनरेशन, अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन की, तो आपका वैक्यूम ट्यूब पंच कार्ड का यूज हुआ था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था, थर्ड जनरेशन में आपके IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ था, और आपके फोर्थ जनरेशन में IC का अपडेटेड वर्जन आपका LSI या VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग हुआ। और आपकी जो फिफ्थ जनरेशन है उसमें ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट का प्रयोग किया गया था। इतनी सी बात आप याद रखिएगा, आगे बढ़ जाइएगा और अगले क्वेश्चन पर मूव करिएगा। मेरे दोस्तों क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द CPU, यानी इंटरनल जो कंपोनेंट है वो नहीं है CPU का। CPU देखो ये आपका CPU होता है, इसके तीन पार्ट होते हैं, एक होता आपका ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, एक होता आपका CU जिसे हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, और एक होता है आपका रजिस्टर जिसे रजिस्टर कहा जाता है। ALU क्या करता है, आपके सारे के सारे अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन, या फिर हम मैं बात करूं बिट वाइज ऑपरेशन, जितने भी आपके बिट वाइज ऑपरेशन होते हैं, जैसे हम बात करें बिट वाइज ऑपरेशन तो ये भी आपका ALU करता है, और अगर हम बात करें सारे के सारे मैथमेटिक ऑपरेशन ये भी आपका ALU ही करता है, और अगर मैं बात करूं कंट्रोलिंग का सारा काम तो CU करता है, और अगर हम बात करें टेम्परेरी रूप से स्टोर करने का काम तो वो आपका कौन रजिस्टर करता है, ठीक है। तो ये काम होते हैं और ये ही CPU के पार्ट होते हैं, आपका RAM CPU का पार्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आंसर आपका फर्स्ट यानी RAM आंसर आपका होने वाला है। अगले क्वेश्चन पर मूव करो और क्वेश्चन देखते हैं और आंसर देखिएगा। व्हाट अमंग द फॉलोइंग कैन कॉज अ फिक्स्ड डिस्क एरर, यानी निम्न में से क्या एक निश्चित डिस्क त्रुटि का कारण बन सकता है। डिस्क त्रुटि का कारण क्या है, नो सीडी इंस्टॉल्ड, दो दो चीजें एक साथ ऑप्शन में हो गया, या फिर आपका इन करेक्ट CMOS सेटिंग, या फिर बैड रैम, बताओ यानी डिस्क करप्ट होने का कारण, फिक्स्ड डिस्क एरर का कारण कौन, क्या हो सकता है फिक्स डिस्क एरर का कारण, तो ये है आपका कौन सा, मतलब ये आपका आंसर है, मतलब आपका इन कनेक्ट CMOS सेटिंग, यानी जो आपकी CMOS सेटिंग है अगर आपकी वो खराब होती है किसी कारण से, उसमें कोई चेंजेस आपका आता है, तो वो जो खराब होती है मेरे दोस्तों उसके कारण आपका आता है डिस्क फिक्स एरर आता है। आपसे बोला जाता है कि भैया आप अपने कंप्यूटर की डिस्क को फिक्स कराइए, तो ही वो आपकी चीजों को आपको कराने वाला है, तो ही वो आपकी चीजों को आपको देगा या फिर एग्जीक्यूट कराएगा, अदरवाइज वो आपकी चीजों को एग्जीक्यूट कराने वाला नहीं है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे दोस्त, और आंसर दीजिएगा और कौन सा क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट डज द फाइल सिस्टम NTFS स्टैंड फॉर्म, यानी NTFS का पूरा नाम होता है, चलो भैया ऑपरेटिंग सिस्टम का, सॉरी ये आपका NTFS का पूरा नाम होता है, जल्दी बता दीजिएगा NTFS का पूरा नाम क्या होता है, NTFS का पूरा नाम तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, NTFS का न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है।
तो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम क्या है आपका, NTFS का पूरा नाम होता है। ये होता क्या है, आपके फाइल सिस्टम का टाइप होता है जिसके तीन प्रकार होते हैं। एक होता है आपका फैट फाइल सिस्टम, एक होता है आपका NTFS फाइल सिस्टम, और एक होता है आपका EXT फाइल सिस्टम। फैट होता है फाइल एलोकेशन टेबल, NTFS होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, और EXT होता है आपका एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। ठीक है, क्या होता है मेरे दोस्तों, एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, और आगे मैं मूव करता हूँ और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा मेरे दोस्त क्या कह रहा है। विच अमोंग द फॉलोइंग डिस्प्लेस अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ फाइल्स फोल्डर एंड ड्राइवर्स ऑन द कंप्यूटर, यानी निम्न में से कौन कंप्यूटर पर फाइल फोल्डर और ड्राइवर की एक पदानुक्रमित संरचना प्रदान करता है। कौन सर्च बार करता है, स्टेटस बार करता है, फोल्डर लिस्ट करती है, या फिर आपका डायलॉग बॉक्स करता है, बताओ। हायरार्किकल स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड करता है आपको, हायरार्किकल स्ट्रक्चर। देखिएगा यार, कम क्यों होते जा रहे हैं बच्चे, यार कम क्यों होते जा रहे हैं बच्चे, कम मत होने दीजिएगा यार, ये तो गलत बात है यार, कम ना होने दो यार। शेयर करो क्लास को, एक बार शेयर कर दो मेरे दोस्तों। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि भैया CMOS का फुल फॉर्म मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है मेरे दोस्त अभी, तो नहीं तो मैं आपको बता देता। चलो चलो सर, क्लास में जुनून नहीं आ रहा है। अरे मेरे दोस्त, क्लास में जुनून आएगा, अगर क्लास में जुनून आया तो गला खत्म हो जाएगा, और अगर गला खत्म हुआ तो क्लासें ठप हो जाएंगी आने वाली। तो आराम से सांप का सांप मर जाए, लाठी की लाठी ना टूटे, तो क्लास की क्लास हो जाने दो, गला का गला खराब मत होने दो मेरे दोस्त, तो पढ़ते चलो बस यार। तो अगर यहां पर आंसर की हम बात करें तो ये है आंसर लिस्ट सूची। देखो फोल्डर लिस्ट सूची का मतलब क्या होता है, ये आपका हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो मैंने बोला ये आपका एक फोल्डर है, फोल्डर मैंने बोला ये फोल्डर है, क्या इसके अंदर एक से अधिक फोल्डर नहीं हो सकते हैं, जी हो सकते हैं, और इस फोल्डर के अंदर भी एक से अधिक हो सकते हैं, इसके अंदर भी एक से अधिक हो सकते हैं, और इसके अंदर भी एक से अधिक हो सकते हैं, और इसके अंदर भी हो सकते हैं, फिर ये फोल्डर है ये। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को ट्री स्ट्रक्चर या फिर हायरार्किकल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। ठीक है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो ये बात होती आपका क्या है, फोल्डर लिस्ट के अंदर आपके फोल्डर जितने हैं, वो लिस्ट जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हायरार्किकल स्ट्रक्चर उसके द्वारा क्रिएट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड इज कॉल्ड, यानी रिलेटेड रिकॉर्ड का कलेक्शन क्या कहलाता है, बताओ। चलो भैया, क्या कहलाता है आपका कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड फाइल, यानी रिकॉर्ड का कलेक्शन क्या कहलाता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। रिकॉर्ड का कलेक्शन क्या कहलाने वाला होता है आपका, फोल्डर कहलाने वाला होता है। ठीक है, फोल्डर क्या, सॉरी हाँ सॉरी, फाइल कहते हैं इसको, फाइल कहते हैं, क्योंकि फाइल का कलेक्शन, अगर आप यहां पर बोला जाता द कलेक्शन ऑफ, यहां पर बोला जाता कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिलेटेड फाइल्स फाइल्स, तो आंसर क्या होता, फोल्डर। जबकि यहां क्या दिया है, द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड, तो आंसर क्या है आपका, फाइल, यानी फाइल के अंदर रिकॉर्ड आपके मौजूद होते हैं। आगे बढ़ जाएं, चलो आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा फिर मैं आपको इसके ऑप्शंस दिखा देता हूँ। क्या लिखा हुआ है, कीबोर्ड का उपयोग करते समय पेन बार पर, सॉरी मेन्यू बार पर चयन को सक्रिय करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अरे मेरे शेर और शेरनियों, बताओ जल्दी से, धमाकेदार तरीके से आंसर दीजिएगा कि कीबोर्ड का प्रयोग करते हुए समय करते समय मेन्यू बार पर चयन को सक्रिय करने के लिए कुछ किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो मेन्यू बार को सक्रिय करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे हम कोई आपका जो MS वर्ड होता है, जो मेन्यू बार होता है, होम अल्ट जो होता है, उसमें आप कौन सी की का प्रयोग करेंगे जिसकी मदद से आपका पूरा का मेन्यू बार क्या हो जाता है आपका मेरे दोस्तों, ओपन होके आ जाता है, या फिर वो आपका चयन हो जाता है। तो आप बहुत ही गलत आंसर दे रहे हैं, ये होता आपका अल्ट। अरे मेरे भैया, F2 तो ऑप्शन में ही नहीं है ना, F2 तो ऑप्शन में ही नहीं है ना मेरे भैया, F2 का ऑप्शन में कहाँ है, F2 का नहीं है, F2 नहीं है, ये होती आपकी अल्ट की। अगर आप अल्ट की को प्रेस करें, देखो जैसे मैंने अल्ट की को प्रेस करा, तो यहाँ पर ये मेरा माउस है, और जैसे ही मैंने अल्ट की को प्रेस करा
तो देखो ये फाइल मेरा हाईलाइट हो गया, ठीक है, हो गया, ये देखो ये हाईलाइट हो गया, सारे की सारी चीजें हाईलाइट हो जाती हैं, अल्ट की मदद से ये ऐसा आपका होने लगता है, ठीक है। तो ये और अल्ट के अगर आपको पूरे के नाम की बात करें कि सर अल्ट का पूरा नाम क्या होता है, तो अल्ट का पूरा नाम होता है आपका अल्टरनेटिव की, क्या होता है मेरे दोस्तों, अल्टरनेटिव की आपका अल्ट का पूरा नाम होता है। रैम रोम आर द टाइप्स ऑफ, यानी रैम और रोम किसके टाइप है, मेमोरी के, इनपुट यूनिट के, आउटपुट यूनिट के, या फिर प्रोसेसर के, जो रैम और रोम है वो किसके टाइप होते हैं, बताइएगा मेरे दोस्तों। आप अच्छी तरह से जानते हैं रैम और रोम दोनों मेमोरी के प्रकार होते हैं। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। और रैम को हम क्या बोलते हैं, आपका वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, और रोम को क्या कहा जाता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, और ये दोनों सेमी कंडक्टर मेमोरी के अंदर भी आती है। किसमें आती है मेरे दोस्तों, सेमी कंडक्टर, कंडक्टर मेमोरी के अंतर भी आती हैं। अगर आपसे रैम और रोम पूछा है, और अगर आपसे ये भी पूछ ले जाए कि भैया रैम और रोम किसकी मेमोरी होती है, तो ये आपकी आईसी की होती है, कंप्यूटर के अंदर जो आईसी प्रयोग की जाती है उस आईसी की मेमोरी आपकी होती है। तो इतना सा थोड़ा सा आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करता हूं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सीपीयू की शब्द लंबाई को किस प्रकार मापा जाता है, जो सीपीयू की लेंथ होती है, वर्ड लेंथ होती है, उसे किस प्रकार से मापा जाता है, बताओ भैया, क्या उसे द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ वर्ड, या फिर द नंबर ऑफ निबल्स इन अ वर्ड, या फिर द नंबर ऑफ बिट्स इन अ वर्ड्स, बताओ भैया, द नंबर ऑफ द बाइट्स इन अ बार, या फिर द नंबर ऑफ इन बिट इन अ बाइट, बताओ भैया, मतलब आपका एक शब्द के अंदर कितने नंबर है, एक शब्द के अंदर कितने बिट हैं ये मापा जाता है, एक शब्द के अंदर कितने बाइट है ये मापा जाता है, एक शब्द के अंदर कितने निबल हैं ये मापा जाता है, बताओ भैया क्या मापा जाता है, जल्दी बता दीजिएगा। तो बात सिंपल सी है कि आपके एक शब्द के अंदर कितने बिट अवेलेबल हैं, मतलब आंसर सिंपल सा है कि आपका सीपीयू के द्वारा जो शब्द एग्जीक्यूट किया जाता है वो कितने बिट होते हैं, एक शब्द में बिट की संख्या को मापा जाता है, बिट की संख्या को मापते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ जाइएगा और आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देखने की कोशिश करिएगा, अगला क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है जरा देखिएगा कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा मेरे दोस्तों। विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट आउटपुट पोर्ट द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी, यानी फुल फॉर्म यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है, जल्दी से बताइएगा मुझे, जल्दी से बिल्कुल धमाकेदार तरीके से मुझे बता दीजिएगा कि यूएसबी का पूरा नाम होता क्या है, बताओ, या यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, या फिर यूनिक सीरियल बस होता है, या फिर यूनिवर्सल सीरियल वाइट होता है, या फिर यूनिवर्सल सिंक्रोनाइज्ड बस होता है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। और ये क्या होते हैं, कुछ बस होती हैं, और इनकी अगर वर्जन की हम बात करें तो अभी हाल ही में मैंने बता चुका था कि मेरे दोस्तों आपके 7 वर्जन होते हैं आपका, कौन सा यूएसबी 0.1.0 क्या होता है आपका, यूएसबी 1.0, 1.1, 2.0, 3.0, 3.1, 3.2 और 4.0, ये क्या होते हैं आपके यूएसबी के पूरे वर्जन होते हैं, जो कितने होते हैं आपके 7 होते हैं, ठीक है। और आगे मैं मूव करता हूँ और अगले क्वेश्चन पर मैं चलते हैं। अगला क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा फिर मैं इसके ऑप्शंस आपको बता देता हूँ। निम्न में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग टेक्स्ट की इमेज को मशीन एडिटेबल टेक्स्ट में बदलने के लिए किया जाता है, और टेक्स्ट इनपुट को इलेक्ट्रॉनिक फाइलों में बदलने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, कहने का मतलब सिंपल सा पढ़ लिया क्या क्वेश्चन आपने, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग टेक्स्ट की इमेज को मशीन एडिटेबल टेक्स्ट में बदलने के लिए किया जाता है, और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक फाइल में बदलने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, मतलब टेक्स्ट फाइल को इलेक्ट्रॉनिक फाइल में बदलने के लिए या फिर उसे एडिटेबल बनाने के लिए, तो वो है आपका OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, मतलब जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को एडिटेबल बनाना है, पिक्चर पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस पिक्चर पर लिखे हुए टेक्स्ट को एडिटेबल बनाना है, एडिटेबल मतलब कि वहां से वो एडिट उसे कर सके, वहां पर कोई चेंजेस कर सके, कोई नया वर्ड ऐड कर सके, तो वो होता है आपका OCR के द्वारा ये कार्य किया जाता है। और अगर हम अगले क्वेश्चन का मूव करें और देखें भैया अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स इन द फॉर्म ऑफ 225 पिन फीमेल कनेक्टर
एंड यूज टू कनेक्ट प्रिंटर स्कैनर और अदर सिमिलर डिवाइसेस। अभी हाल ही में मैंने इसके बारे में चर्चा की है इसके बारे में। इससे पहले जब मैंने सीरियल मॉडेम पोर्ट का अभी आपको बताया था, तो वो है आपका सीरियल पोर्ट, सॉरी वो है आपका पैरेलल पोर्ट। क्योंकि प्रिंटर का प्रयोग करने के लिए किस पोर्ट का प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्तों? प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए आपके सीरियल पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ जाए, चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा मेरे दोस्तों। 24 बिट की मेमोरी एड्रेस के साथ सीपीयू मेमोरी तक एड्रेस कर सकता है। तो देखो ये क्वेश्चंस को ना मैं क्या करूंगा, आपको सॉल्यूशन अलग निकलवा के बताऊंगा। ये जो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देख रहा हूँ, इन्हें मैं एक वीडियो फॉर्मेट में इन क्वेश्चंस को दूंगा, एक एज अ वीडियो फॉर्मेट में इन क्वेश्चंस को दूंगा मैं, ठीक है। चलो भैया अगले क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा डॉस कमांड एक निर्देशिका और उसके भीतर की फाइलों और उप निर्देशिकाओं को हटा देता है? फाइलों, निर्देशिकाओं या फिर उप निर्देशिकाओं को हटा देता है? चलो भैया हटा देता है, वो क्या है आपका? डेल है, फॉर्मेट है, डिलीट है या फिर डेल ट्री है? तो देखो आपका जो हटाने का डॉस के अंदर जो आपकी निर्देशिका होती हैं, जो आपकी डायरेक्टरीज होती हैं, जो आपकी फाइल्स होती हैं, सब डायरेक्टरीज होती हैं, उन्हें क्या करने के लिए मेरे दोस्तों, उन चीजों को क्या करने के लिए मेरे भैया, डिलीट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वो आपका फॉर्म डिलीट की का प्रयोग करते हैं। और अगर आपसे बोला जाए कि पार्टीशन क्रिएट करना है, पार्टीशन आपसे क्रिएट करने का बोला जाए कि किसी डिस्क के आपको पार्टीशन क्रिएट करने हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं? तो वो आपका फॉर्मेट कमांड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और अगर डिलीट करना है तो आपका डिलीट कमांड का ही प्रयोग किया जाता है। ये इसमें कोई चेंजेस आपका नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है देखिएगा और आंसर दीजिएगा, रीड करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू चेंज सेटिंग एंड कस्टमाइज द फंक्शनलिटीज ऑफ योर कंप्यूटर? यानी निम्नलिखित में से किसका उपयोग आपके कंप्यूटर की सेटिंग्स को बदलने और कार्यात्मकता को अनुकूलित करने के लिए किया जाता है? बताओ भैया, कार्यान्वित करने के लिए अनुकूलित किया जाता है, बताओ भैया वो क्या है आपका बात? यानी वो कंट्रोल पैनल, वो कंट्रोल कैरेक्टर मैप या फिर रिसोर्स या फिर टास्क मैनेजर, मतलब निम्नलिखित में से किसका उपयोग आपके कंप्यूटर की सेटिंग को बदलने और कार्यात्मकता को अनुकूलित करने के लिए किया, यानी सेटिंग को बदलने के लिए? बताओ भैया, आप अच्छी तरह से जानते हैं इसका आंसर को, वो होता है आपका कंट्रोल पैनल। अरे मेरे भाई शेर और शेरनियो, क्लास में फील नहीं आ रहा है, बच्चों को लेकर आइए फिर क्लास में फील आता है। मेरे दोस्तों आंसर दीजिएगा बहुत ही तगड़े तरीके से, कंट्रोल पैनल इसका आंसर होने वाला है। क्योंकि कंट्रोल पैनल की मदद से आप क्या कर सकते हो, चीजों को सेटिंग में चेंजेस आप कर सकते हो, अदरवाइज आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। आगे आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स और ड्रॉइंग्स यूजिंग इंक पेन? मतलब कहने का सिंपल सा मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस इंक पेन का प्रयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स या चित्र बना सकता है? तो चित्र बनाने के लिए आपको अच्छी तरह से पता भैया कौन सा, वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे हम। अरे वाह यार, क्या बात लगी स्टेनो एसआई लवर मेरे दोस्तों, वक्त तो कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे। और भैया ये जब ही बदलेगा जब आप मेहनत करोगे, अदरवाइज ये बदलने वाला नहीं है, ये आपको आपको भैया आपको बदल देगा। तो ये है आपका प्लॉटर, प्लॉटर की मदद से हम चित्र वगैरह, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, चित्र वगैरह से कोई क्वेश्चन आए, तो आप आंख बंद करके प्लॉटर आंसर टिक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक मेमोरी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑक्सिलरी मेमोरी? ऑक्सिलरी मेमोरी मतलब आपका एक्सटर्नल मेमोरी, निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? बताओ भैया, हार्ड डिस्क नहीं है, डीवीडी नहीं है, एसरैम नहीं है, ब्लूरे डिस्क नहीं है, कौन सी नहीं है बताओ, कौन सी मेमोरी नहीं है सहायक मेमोरी, एक्सिलरी मेमोरी कौन सी नहीं है? तो देखो आपकी हार्ड डिस्क ऑक्सिलरी मेमोरी है, आपकी अगर मैं बात करूं आपकी डीवीडी की तो ऑक्सिलरी मेमोरी है, अगर मैं बात करूं ब्लूरे डिस्क की तो ये आपकी ऑक्सिलरी या फिर मैं बोलूं ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत आती हैं, लेकिन आपका एसरैम
जिसे क्या कहा जाता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये आपका ऑक्सिलरी मेमोरी के अंतर्गत नहीं आती है, ये आपका प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आने वाली होती है। ठीक है, चलो भैया आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइस इज नोइजी, स्लो एंड एबल टू प्रिंट प्रिंट ओनली लो रिजोल्यूशन ग्राफिक्स विद लिमिटेड कलर। बताओ भैया, यानी आपका निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस सोर्स धीमा और सीमित रंग के साथ केवल कम रिजोल्यूशन ग्राफिक्स प्रिंट कर सकता है, मतलब धीमा है, कम आपकी आवाज करता है, रिजोल्यूशन अच्छा नहीं है, तो वो कौन सा है आपका आउटपुट डिवाइस? क्या वो लेजर है, वीडियो है, प्लॉटर है, या फिर वो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है? तो मेरे हिसाब से ये आपका आंसर होना चाहिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आगे बढ़ जाएं, चलो भैया आगे चलते हैं और क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। फ्लैट बेड प्लॉटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन सत्य है मतलब फ्लैट बेड प्लॉटर से संबंधित कथन सत्य बताना है आपको, कि कौन सा कथन आपका फ्लैट बेड प्लॉटर से सत्य है। तो पढ़ लीजिएगा मेरे दोस्तों, पहला कथन, द फ्लैट बेड प्लॉटर हैज अ वर्टिकल फ्लैट सरफेस ऑन विच ऑफ द पेपर इज फिक्स्ड। क्या ये आंसर सही है? या फिर फ्लैट बेड प्लॉटर पेपर रिमेन्स स्टेशनरी एंड दे पेन इज मेंटेन्ड ऑन अ मूविंग कैरिंग। क्या ये आंसर सही है या फिर आंसर दोनों वाला ये वाला सही है? कौन सा वाला मेरे दोस्तों? कहने का सिंपल सा मतलब है कि फ्लैट बेड प्लॉटर में पेन स्थिर रहता है और कागज चलती गाड़ी पर लगाया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भैया कागज चलती गाड़ी पर लगा दिया जाए। तो इसका आंसर ये है आपका सिंपल सा, क्या आंसर है? फ्लैट बेड प्लॉटर में कागज स्थिर रहता है और चलती गाड़ी पर कलम लगा दी जाती है। गाड़ी का यहाँ मतलब है, गाड़ी का मतलब है यहाँ ड्रम से। गाड़ी का मतलब क्या हुआ, देखो, इन फ्लैट बेड प्लॉटर पेपर रिमेन स्टेशनरी एंड द पेन इज माउंटेड ऑन मूविंग कैरिज। कैरिज का मतलब वहां पर है आपका ड्रम, उस ड्रम पर क्या कर दिया जाता है, आपका पेन माउंट कर दिया जाता है और पेपर को क्या किया जाता है, इधर उधर मूव कराया जाता है, उससे क्या हो जाती है, आपकी ड्रॉइंग तैयार हो जाती है। ठीक है, और चलो भैया आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला 64 रैम, और इस प्रकार के क्वेश्चंस को मैं मेरे दोस्तों टीबी रैम लिखा हुआ है आपका, 64 टीबी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता का वैकल्पिक प्रतिनिधित्व निम्न में से कौन सा है? 64 टीबी किसके अंतर्गत आएगी भैया? 64 टीबी किसमें आना चाहिए? तो 64 टीबी मल्टीप्लाई बाय 1024 मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 65,536 जीबी, ये आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आया कोर्स आंसर कैसे आया? वेरी गुड, डी आंसर सही होगा इसका, डी सही होगा, डी, क्योंकि टीबी से जीबी में ही कन्वर्ट होगा ये। जी भाई होगा ना, 64 इंटू आप कर लीजिएगा 1024 पैक करोगे तो यही आएगा आपका, यही आने वाला है। कौन सा आने वाला है आपका? 65,536। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये भाई साहब? ये वाला क्वेश्चन मैं आपको एक अलग सी वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि रंग में उच्च गुणवत्ता का उत्पादन करने के लिए आपका उपयोग करना चाहेंगे, यानी टू प्रोडक्ट हाई क्वालिटी हार्ड कॉपी इन कलर यू शुड वॉन्ट टू यूज। मतलब अगर आप हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट, हाई गुणवत्ता का प्रोडक्ट चाहते हैं तो आप किसका प्रयोग करेंगे? आरजीबी मॉनिटर का करेंगे, इंकजेट प्रिंटर का करेंगे, या फिर आप प्लॉटर का प्रयोग करेंगे, या फिर आप लेजर प्रिंटर का प्रयोग करेंगे? बताइएगा किसका प्रयोग करेंगे अगर आप हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहते हैं। बताओ, हाई क्वालिटी का अगर आप प्रोडक्ट चाहते हैं तो आप किसका प्रयोग करेंगे? बताओ भैया, बहुत बढ़िया, आप किसका प्रयोग करेंगे? अपने प्लॉटर का प्रयोग करेंगे। जो प्लॉटर होता है वो क्या होता है, आपका हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस आपको करके देता है। आगे बढ़ जाते हैं और अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है देखिएगा, होम एंड की आर ऑल्सो कॉल्ड, होम और एंड की को क्या कह सकते हैं? बताओ, होम की जो होती है, होम और एंड की को क्या कहते हैं? बताओ, इन्हें नेविगेशन कुंजी कहते हैं, या फिर इन्हें कंट्रोल की कहते हैं, फंक्शन की कहते हैं, या फिर अल्फा न्यूमेरिक की कहते हैं? बताइएगा कौन सी की कहते हैं होम कीज को, होम और एंड कीज को? हमारा भी वक्त आएगा और नहीं आया तो हम घसीट कर लाएंगे। अरे भाई शिवराज सिंह चौहान ने क्या बात बोली है,
हमारा भी वक्त आएगा, नहीं आएगा तो हम घसीट कर लाएंगे। जा जी चलिएगा, आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है? ये आपकी नेविगेशन कीज कहते हैं और इन्हें नेविगेशन कीज कहा जाता है। क्यों कहते हैं? कौन कौन सी होती हैं? होम होता है, एंड होता है, आपका पेज अप की होती है और एक होती है आपकी पेज डाउन की। कौन सी वाली? एक पेज अप की और पेज डाउन की, ये जो है वो आपकी नेविगेशन कीज के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे दोस्तों? अगले क्वेश्चन का कहना क्या है? सिंपल सा कहना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली यूज फॉर रजिस्टर्ड एंड कैश मेमोरी। निम्नलिखित में से मुख्य रूप से रजिस्टर और कैश मेमोरी के लिए उपयोग किया जाता है। बताओ, रजिस्टर और कैश मेमोरी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सुनो गणपति बब्बा, मोरिया सीपीसीटी की मुंडी में छेद हो रिया। अरे वाह, अरे सुन गणपति बब्बा मोरिया सीपीसीटी की मुंडी में छेद हो रिया। चलो भैया आगे बढ़ जाओ। कहने का सिंपल सा मतलब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली यूज फॉर रजिस्टर एंड कैश मेमोरी, यानी रजिस्टर और कैश मेमोरी के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो आपका कैश रैम एज अ प्राइमरी रैम के यूज के तरह यूज की जाती है आपका रजिस्टर और कैश मेमोरी के लिए। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज फॉर स्टोर बूट स्ट्रैप प्रोग्राम दैट स्टार्ट अ कंप्यूटर, यानी बूट स्ट्रैप प्रोग्राम कहां पर स्टोर होते हैं जिसकी मदद से आप कंप्यूटर स्टार्ट किए जाते हैं? चलो बताओ भैया बताओ। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं अनिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुंडी में फोड़ ही होगा जी भैया, मुंडी में छेद ही होगा। अरे भैया मेरे शेर और शेरनियों, बब्बर शेरो, शेयर कर दो एक बार क्लास को। चलो भैया क्या है बूट स्ट्रैप प्रोग्राम, बताओ जल्दी। सर आज तो कोई सॉन्ग सुना दो, तो सॉन्ग के लिरिक्स आप दे दो सुना मैं दूंगा, सॉन्ग के लिरिक्स आप दे दो सुना मैं दूंगा। चलो भैया क्या बात है, विच ऑफ द, लेकिन यार ये गलत बात है, आप लोगों की शेयर नहीं कर रहे आप क्लास को, यार आप शेयर नहीं कर रहे आप, तो दिल टूट जाएगा सर का। चलो भैया वो बात क्या है कि ये आपका बूट स्ट्रैप प्रोग्राम होते हैं। कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं? बायोस होता है, पोस्ट होता है, MBR होता है। ये जो प्रोग्राम्स होते हैं वो प्रोग्राम्स क्या किए जाते हैं मेरे दोस्तों? आपके रोम के अंदर स्थायी रूप से स्टोर करके रखे जाते हैं। और बायोस का पूरा नाम क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। पोस्ट का पूरा नाम होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। और MBR का पूरा नाम होता है मास्टर बूट रिकॉर्डर। और इनका प्रयोग बूटिंग प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए किया जाता है। बूटिंग प्रोसेस के दो प्रकार होता है, वाला पानी पानी वाला, अरे नहीं पानी वानी वाली वाली, ठीक है दो होते हैं आपका, एक होता है आपका कोल्ड बूटिंग और एक होता है आपका बार बूटिंग। कोल्ड बूटिंग को मेरे दोस्तों हार्ड बूटिंग भी कहते हैं और बार बूटिंग को मेरे दोस्तों सॉफ्ट बूटिंग भी कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, मूव करते हैं सीक्रेटली भैया, लेकिन शेयर मत कर दीजिएगा क्लास को, नहीं तो गड़बड़ मामला हो जाएगा। बताओ भैया आंसर दीजिएगा, जल्दी दीजिएगा मेरे भाई बताओ। बिट, कैपेसिटर, फ्लिप फ्लॉप, बताइए भैया। बिट क्या है? आपका बाइनरी। कैपेसिटर क्या है? आपका कैपेसिटर और फ्लिप फ्लॉप, यहां पर हम फंस चुके हैं। बताइएगा भैया कैपेसिटर और फ्लिप फ्लॉप कौन है, जल्दी बताइएगा आंसर। ठुकरा के, अरे प्यार म्यार नहीं ठुकरा यार, हमें किसी ने प्यार करो ही नहीं है आज तक, तो ठुकरा को कौन। चलो भैया, जब इरादा कर लिया है ऊंची उड़ान का तो फिजूल है कद देखना आसमान का। जी भैया रूपेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी क्लास के अंदर। चलो भाई चलो, जब इरादा कर लिया है ऊंची उड़ान का तो फिजूल है आसमान की ऊंचाई को देखने का, सही बात है। चलो भैया तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? ये मेरा भैया कैपेसिटर और फ्लिप फ्लॉप, तो आई थिंक कैपेसिटर आपका डीरैम होना चाहिए और फ्लिप फ्लॉप आपका एस रैम होना चाहिए आई थिंक। देखते हैं भैया क्या आंसर है इसका, देख लेते हैं अपन। तो आंसर है आपका फर्स्ट का सी, तो फर्स्ट का है आपका सी, ये तो करेक्ट बात है। और सेकंड का बी, डी रैम। वाह जीत गए जीत गए जीत गए, देखो जीत गए हम, जीत गए भैया बिल्कुल। और फ्लिप फ्लॉप क्या है आपका एस रैम। देखो मैंने यहां पर आंसर कैसे लगाया है कि आपका रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप से डिजाइन होता है,
और रजिस्टर के आपके कैश मेमोरी होती है, और कैश मेमोरी एज अ रजिस्टर की तरह काम या फिर एज अ कैश मेमोरी की तरह काम करती है, और जो आपकी कैश मेमोरी होती है वो एज अ फ्लिप फ्लॉप पर डिजाइन की जाती है। इसीलिए मैंने यहाँ पर टिक कर दिया कि एस रैम जो है फ्लिप फ्लॉप होगी और जो कैपेसिटर है वो डी रैम होगा। और कैपेसिटर को डी रैम टिक क्यों करा, क्योंकि डी रैम को मेन मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी रैम को मेन मेमोरी भी कहा जाता है आपका डी रैम को, ठीक है। इसलिए आपका ये स्टोरेज है कैपेसिटर, कैपेसिटर मतलब डेटा को स्टोर करने वाला, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ जाए और अगले क्वेश्चन पर देखो मेरे भाई क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑप्टिकल डिस्क। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल है? लाएगा, जल्दी लाएगा। सर गाना सुना दो गांव वाले बीच पे। अरे मेरे भाई गाने वाने नहीं आते यार। चलो भाई क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। तो देखो मैग्नेटिक डिस्क नहीं है, डेटा बस डिस्क नहीं है, मेमोरी डिस्क नहीं है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क यानी डीवीडी आपका क्या है, ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल है। ऑप्टिकल डिस्क कौन कौन सी होती है? सीडी होती है जिसे हम बोलते हैं आपका कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, जिसकी कैपेसिटी 700 MB का डेटा स्टोर करने की होती है। और एक होता है आपका डीवीडी, जिसका पूरा नाम लिखा हुआ है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, या फिर इसे दूसरा नाम भी बोल सकते हैं इसका, डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोल सकते हैं, वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क। और एक होता है आपका ब्लू रे डिस्क जो क्या करता है, टू साइडेड, वन साइडेड दो होता है, एक होता है आपका वन साइडेड और एक होती है आपकी टू साइडेड। वन साइडेड 25 GB का डेटा स्टोर कर रखती है और टू साइडेड आपका 50 GB का डेटा स्टोर कर रखती है। और डीवीडी की हम बात करें तो 4.7 GB का डेटा स्टोर कर रखती है। और एक और होती है आपकी HVD जिसे होलोग्राफिकल वर्सटाइल डिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होलोग्राफिकल ग्राफिकल वर्सटाइल डिस्क, वर्सटाइल डिस्क जो क्या करती है आपका 6 TB का डेटा स्टोर करके रखती है। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी आपके ऑप्टिकल डिस्क के बारे में, ठीक है। सीडी और डीवीडी इज कॉल्ड, सीडी और डीवीडी को क्या कहा जाता है बताओ? रिटन यानी राइटिंग कंटेंट, यानी सीडी और डीवीडी में कंटेंट को राइट करना, स्टोर करना, बर्निंग, रेप्लीकेटिंग, रिपिंग या मिररिंग, बताओ भैया। नहीं कैपेसिटर एस रैम नहीं होगा रजनी आदित्य, कैपेसिटर आपका डी रैम ही होगा। बताइएगा इसका आंसर। तो डेटा स्टोर करना कहलाता है आपका बर्निंग। क्या कहलाता है? जब आप राइटिंग कंटेंट ऑन अ सीडी एंड डीवीडी, जब आप सीडी और डीवीडी के अंदर डेटा को स्टोर करते हो तो वो क्या कहलाता है आपका? बर्निंग कहलाता है, बर्निंग, ठीक है। और अगर आपसे बोला जाए कॉपी करना, डेटा को कॉपी करना, तो वो मिररिंग कहलाता है, ठीक है। और आपका वो क्या कहलाता है? कॉपी। और अगर आप कंप्यूटर सीडी से डेटा कंप्यूटर में कॉपी कर रहे हो तो उसे रिपिंग कहते हैं, रिपिंग। तीनों चीजें समझ लो, बर्निंग मतलब आप सीडी में डेटा इंस्टोर कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, और रिपिंग मतलब आप सीडी से कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हो, और मिररिंग मतलब आप कॉपी कर रहे हो, सीडी के अंदर सीडी को कॉपी कर रहे हो, तो वो आपका क्या कहलाता है? मिररिंग कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाएगा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देखो मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों। डीवीडी का पूरा नाम आप जानते हैं, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है या डिजिटल वीडियो डिस्क होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिखा हुआ है एक छोटी छवि है जो किसी प्रोग्राम, निर्देश, फाइल या किसी अन्य वस्तु का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब एक छोटा सा क्या है, प्रोग्राम है जो क्या करता है आपका, निर्देशित करता है कि भैया आपका कौन सा ये प्रोग्राम है, जो भी फाइल होता है, आइकन होता है, उसे निर्देशित करता है कि ये आपका आइकन है, ये आपका फाइल है, उसे निर्देशित करने का काम कौन करता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो वो कौन होता है? वो आपका आइकन होता है। कौन होता है मेरे दोस्तों? वो आपका आइकन होता है। कोई समस्या नहीं है, आई थिंक समस्या नहीं होनी चाहिए, वो आइकन रहता है आपका, ठीक है। तो आगे मूव कर जाए, चलो भैया आगे मूव करते हैं और अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा, अगले प्रश्न का कहना क्या है, क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा फिर मैं उसका ऑप्शन बता दूंगा, आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है भैया। चलो भाई ये तो गड़बड़ मामला हो गया। चलो भाई चलिएगा, वो है आपका आइकन हो गया जी। सर आगे बढ़ जा,
विच ऑफ द फॉलोइंग डज डज कमांड इज यूज फॉर कंप्यूटर द कंटेंट ऑफ टू और मोर फाइल, यानी निम्नलिखित में से कौन सा डॉस कमांड दो या दो से अधिक फाइलों की सामग्री की तुलना करने के लिए किया जाता है, यानी सामग्री की तुलना करने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है बताइएगा, किस कमांड का यूज करते हैं, तो वो है किस कमांड का यूज करते हैं, तो वो है आपका COMP कमांड का, जो आपकी एक फाइल ये है और दूसरी फाइल ये है, इस फाइल की तुलना इस फाइल से या फिर इस फाइल की तुलना इस फाइल से की जा रही है, कंपैरिजन अगर किया जा रहा है तो वो कंपैरिजन करने के लिए COMP कमांड का प्रयोग किया जाता है। सर आप का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दीजिए क्या आप प्लेलिस्ट में, क्या जी भैया यूट्यूब पर पूरा सिलेबस नहीं करवाया है हमने, और एप्लीकेशन पर बैच चल रहा है 1 से 2 बजे 199 रुपीज का, सॉरी आपका 999 रुपीज का, तो वो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है आगे बढ़ जाएगा। विथ रिस्पेक्ट टू IT सर्टिफिकेट MCSE स्टैंडर्ड फॉर्म, बताओ MCSE का पूरा नाम जल्दी बताइएगा, जब तक मैं पानी भर के ला रहा हूँ बोतल के अंदर, ठीक है चलो जल्दी बताइएगा, आपको भगना कहीं नहीं है, नहीं भग जाओ तुम लोग, ठीक है जाना नहीं है, दो मिनट में भी नहीं 15 सेकंड में आ रहा हूं बस। भैया यार स्मार्ट हैं इसलिए लग रहे हैं यार, अरे स्मार्ट तो हैं अपन यार, चलो भाई तो ये MCSE का पूरा नाम तो माइक्रोसॉफ्ट सॉल्यूशन स्टैंडर्ड क्या होता भैया एक्सपीरियंस क्या है इसका पूरा नाम, तो सिंपल से इसका पूरा नाम है, क्या पूरा नाम है मेरे दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एक्सपोर्ट, क्या है आपका MCSE का पूरा नाम, तो ये सिंपल सा पूरा नाम याद रखिएगा, क्या नाम है माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एक्सपोर्ट, ये आपका पूरा नाम कहलाता है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है आगे बढ़ जाएगा और अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा मेरे दोस्तों देखिएगा, सिंपल सा आंसर है कि लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉस कमांड इज यूज टू क्रिएट द कॉपी ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग फाइल, यानी ऑल जो एग्जिस्टिंग फाइल्स होती हैं उनकी कॉपी करने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो वो आपका सिंपल सी कमांड है, वो है मेरे दोस्तों कॉपी कमांड का, कॉपी कमांड की मदद से क्या किया जाता है आपका सिंपल सा आपकी जो फाइल्स होती हैं उन्हें कॉपी करने के लिए या फिर दो या दो से अधिक कॉपी को क्रिएट करने के लिए किया जाता है, ठीक है आगे बढ़ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा मेरे भाई देखिएगा और आंसर देख लेगा मेरे भाई, क्या कहने का सिंपल सा मतलब है उसका, कहना है PDF का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, जी भैया बिल्कुल पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, और PDF फाइलों को जिप फाइल का उपयोग करके संपीड़ित किया जाता है, जी भैया बिल्कुल किया जाता है, मतलब इसके आपके दोनों आंसर करेक्ट होने वाले हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों होने वाले हैं करेक्ट, ठीक है तो ये आपका ये फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट आंसर है, यानी आपका PDF का पूरा नाम आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है और PDF को अगर आप कंप्रेस्ड कर रहे हो तो बिन जिप फाइल का प्रयोग करते हैं, ठीक है चलो भैया आगे बढ़ते हैं, और इसमें लेकिन गलत आंसर दिया हुआ है, यहाँ पर करेक्ट आंसर गलत दिया हुआ है, वो टाइपराइटर की मिस्टेक है, ठीक है चलो भैया आगे बढ़ जाइएगा और अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। Which of the following is not a valid compressed file extension? निम्नलिखित में से कौन सी valid compressed file extension नहीं है? बताओ भैया। बताइएगा। चलिए। आंसर क्या है? आंसर सिंपल सा है। क्या ऊपर वाले क्वेश्चन में कोई गड़बड़ है क्या? गड़बड़ है क्या? PDF का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, ये तो सही है,
पीडीएफ फाइलों को जिप फाइल का उपयोग करके संपीड़ित नहीं किया जा सकता। तो पीडीएफ फाइल को संपीड़ित नहीं किया जा सकता, पीडीएफ फाइल को संपीड़ित किया जा सकता है यार, किया जा सकता है, सही कह रहे हो, सही 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 सही। तो ये आंसर है, फर्स्ट वाला ट्रू आंसर है और सेकंड वाला फॉल्स आंसर है। सही कह रहा हूँ, सही 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 सही, ट्रू फॉल्स है। जी, सॉरी, क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। चलो बहुत बढ़िया, सही सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आगे बढ़ जाएं, चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो कौन सा नहीं है, तो आपका करेक्ट जो है आपका एक्सटेंशन डॉट सी ओ एम पी नहीं है, आपका जिप होता है, ए आर जी होता है, आपका रार फाइल होता है, ये सारे के सारे आपके एक्सटेंशन नेम के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। और अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो मेरे दोस्तों, कि अगले क्वेश्चन का कहना है, व्हाट इज द सिंगल बाइनरी डिजिट नॉन एज, यानी बाइनरी के एक सिंगल डिजिट को क्या कहा जाता है। चलो भैया, सिंगल डिजिट को, जो बाइनरी होता है ना, 0111010, इस प्रकार से बाइनरी होता है, इसके अंदर ये जो डिजिट होता है इसे क्या बोलते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, बिट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, इसे बिट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन का कहना सिंपल सा है, क्या कहना है मेरे भाई, कह रहा है अ कंप्यूटर कीबोर्ड इज क्लासिफाइड एन डिवाइस, यानी कंप्यूटर कीबोर्ड किस डिवाइस के अंतर्गत आता है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कंप्यूटर का कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है, ये तो बात बताने वाली है ही नहीं है, ये तो बात बताने वाली ही नहीं है, ये बात बताने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और आगे मैं बढ़ता हूं और अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देखने की कोशिश मेरे दोस्तों करिएगा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देखते हैं हम, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कि क्वेश्चन रीड करेगा, अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन नॉट बी शेयर्ड ऑन अ नेटवर्क, यानी आपका जो कौन सा डिवाइस है वो नेटवर्क के अंदर शेयर नहीं किया जा सकता है। तो वो कौन सा डिवाइस है मेरे दोस्तों, बताइएगा कौन सा डिवाइस है जो नेटवर्क के अंदर शेयर नहीं किया जा सकता। कौन सा डिवाइस नेटवर्क के अंदर शेयर नहीं किया जा सकता है, तो बताइएगा मेरे भैया, क्या हार्ड डिस्क शेयर की जा सकती है। जी बिल्कुल, हार्ड डिस्क आपकी शेयर की जा सकती है, और अगर हम बात करें प्रिंटर की, तो जी बिल्कुल शेयर किया जा सकता है, और सीडी ड्राइवर, जी बिल्कुल किया जा सकता है, बट माउस को कभी भी नेटवर्क के अंदर शेयर नहीं किया जा सकता। जो आपकी माउस होती है उसे जरा चलो उसे क्या भैया, माउस को शेयर कभी भी नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ जाएगा और अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा मेरे दोस्त देखने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न का कहना क्या है, नेक्स्ट प्रश्न का कहना है आपका सिंपल सा कहना, नेक्स्ट प्रश्न का, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज्ड टू मेजर द क्वालिटी ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन एनी स्टोरेज डिवाइस, यानी किसी स्टोरेज डिवाइस पर डेटा डेटा स्टोर किए हुए डेटा को, सॉरी, किसी स्टोरेज डिवाइस पर स्टोर किए हुए डेटा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। माप किस एपाई का, एपाई नहीं इकाई, सॉरी एपाई नहीं इकाई, किस इकाई का उपयोग करते हैं डेटा को मापने के लिए। तो बता भैया, क्या हर्ट्ज का करते हैं, बाउट का करते हैं, वाइड का करते हैं, क्लॉक साइकिल का यूज करते हैं, बता भैया। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है, जिंदगी जख्मों में भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो, हारना तो है एक दिन मौत से, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। वाह 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 मेरे दोस्त वाह। तो ये अगर आपसे कभी बोला जाए कि जो आपका डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, या फिर डेटा को मेजर करने की यूनिट क्या होती है, तो वो आपका होता है मेरे दोस्तों, आपका वो बाइट होती है, स्टोर यूनिट होती है, ठीक है। और जो हर्ट्ज है वो आपकी फ्रिक्वेंसी की होती है, वाउड जो होती है वो आपकी सिग्नल की स्पीड होती है, सिग्नल जो होते हैं सिग्नल को जो ट्रांसफर करने की स्पीड होती है उसे हम बाउड बोलते हैं, बाउड बोला जाता है, ठीक है। और अगर आपका क्लॉक साइकिल की बात करें, तो ये क्लॉक साइकिल आपके सीपीयू के अंदर चलती है, एक चलती है आपकी क्लॉक रेट, एक चलती है क्या, क्लॉक रेट, ठीक है, और एक चलती है आपकी क्लॉक साइकिल, ठीक है, एक क्लॉक साइकिल चलती है और एक आपकी क्लॉक रेट चलती है। तो इन चीजों को थोड़ा सा याद रखना, ये सीपीयू से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। चलो भैया बढ़ जाइए आगे और अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
देखिएगा मेरे दोस्तों, रजिस्टर आर पार्ट ऑफ, रजिस्टर किसका पार्ट है ये आपको बताना है। तो बता दीजिएगा रजिस्टर किसका पार्ट है, क्या रजिस्टर आउटपुट डिवाइस का पार्ट है या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट है या इनपुट का। तो भाई आप अच्छी तरह से जानते हैं रजिस्टर आपका सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ही पार्ट होता है। ये बात आप अच्छी तरह से, इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हो कि जो रजिस्टर है वो आपका सीपीयू का पार्ट होता है। आगे बढ़ जाए और अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी सॉफ्टवेयर विकास प्रक्रिया में सबसे पहला चरण क्या है बताओ। क्या सिस्टम एनालिसिस है या फिर मेंटेनेंस है या फिर टेस्टिंग है या फिर स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइनिंग है बताओ। तो ये आई थिंक यही होना चाहिए, स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइनिंग सबसे पहला पार्ट होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, आप मकान बनाना चाहते हो, मकान आप बनाओगे तो सबसे पहले तो आप डिजाइनिंग करवाओगे ना, और डिजाइनिंग करवाओगे और अपनी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन मतलब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे सपोज मैं अपना ऐप एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस में बनवाने गया हूँ तो पहले मैंने अपनी रिक्वायरमेंट बताई होंगी ना सामने वाले व्यक्ति को कि भैया मुझे ये इन चीजों की रिक्वायरमेंट है, मुझे ये चीजों की आवश्यकता है, मुझे ये उसके अंदर चाहिए, लाइव क्लासेस मुझे चाहिए, टेस्ट सीरीज मुझे चाहिए। तो मैंने अपनी रिक्वायरमेंट पहले उसे बताई होगी, ठीक है, तो उस हिसाब से उसने मुझे टेस्ट को बना कर दिया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ जाएगा और डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाएगा, अगला है आपका आंसर, अगला क्वेश्चन क्या है और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बट यहाँ पर आंसर कुछ और है, सिस्टम एनालिसिस। ऐसा सिस्टम एनालिसिस नहीं होता है भैया, वो आपका स्पेसिफिक एंड डिजाइनिंग ही पहले सबसे पहले होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, यानी निम्नलिखित में से कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, क्या ए एल यू है, सीडी है, सीपीयू। तो देखो ए एल यू तो स्टोरेज है ही नहीं है, सीपीयू स्टोरेज नहीं है, माउस स्टोरेज नहीं है, बचा आपका सीडी। तो सीडी क्या है, आपका एक स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आता है मेरे दोस्त। आगे बढ़ जाएगा और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे शेर और मेरे बब्बर शेर हो और मेरी बब्बर शेरनी हो, हु डिजाइंड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक ENIAC, यानी ENIAC का पूरा किसके द्वारा डिजाइन किया गया था ENIAC को बताओ। ENIC जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर बोलते हैं, इसकी डिजाइनिंग सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी। तो ये है बंदा आपका जी प्रेस्पर। कौन है आपका जी प्रेस्पर, एकर्ड और जॉन, इन दोनों के द्वारा क्या किया था आपका ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इसका फर्स्ट जो कहता फर्स्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसका डेवलप किया गया था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विथ कमांड, विच कमांड इज यूज टू मेक अ न्यू डायरेक्टरी, यानी विच कमांड इज यूज टू मेक अ न्यू डायरेक्टरी, यानी एक नई डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है एक न्यू डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए। तो आपका क्या सीडी कमांड का यूज करते हैं, क्रिएट का करते हैं, एमडी का करते हैं या फिर न्यू का करते हैं। तो ये आपका एमडी कमांड का आई थिंक यूज होना चाहिए, मेक डायरेक्टरी जिसे हम बोलते हैं, एमडी का पूरा नाम होता है सिंपल सा, आपका मेक डायरेक्टरी कमांड का प्रयोग करते हैं। अगला, अ प्रिंटर दैट प्रोड्यूसेस द आउटपुट बाय प्रेसिंग अ प्रिंटर एलिमेंट एंड एन इंक्ड रिबन अगेंस्ट द फेस ऑफ द कंटिन्यूअस पेपर फ्रॉम अ कॉल्ड, यानी एक प्रिंटर जो किसी पेपर तत्व और स्याही रिबन को एक सतह पेपर फॉर्म के चेहरे पर दबाकर आउटपुट देता है उसे कहते हैं, वो आपका इंपैक्टिव होता है आपका, जिसमें रिबन का यूज हो रहा है, हैमर का यूज हो रहा है, इन चीजों का जो उनमें क्या है आपका यूज हो रहा है, तो वो आपके क्या होते हैं इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत ही वो प्रिंटर आते हैं। आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा हम देखने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। तो आंसर दीजिएगा और ऑप्शन पड़ेगा और आंसर क्वेश्चन पड़ेगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी यूटिलिटी प्रोग्राम है जो अनावश्यक खाली जगहों को ढूंढता है और उन्हें समाप्त करता है और फाइल्स तथा अनप्रयुक्त डिस्क स्पेस को पुनः व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशंस को बढ़ाया जा सके। तो वो आंसर क्या होना चाहिए, या फिर आपको डिस्क फ्रेगमेंटेशन है, या फिर ये फ्रेगमेंटेशन है, या फिर डिस्क डी फ्रेगमेंटेशन है, या फिर ऑप्टिमाइजेशन ड्राइव है, बताइएगा बताइएगा जल्दी यार, कम क्यों होते जा रहे हैं बच्चे। चलो 11 बजे तक पढ़ेंगे, 12 तक नहीं पढ़ रहे हैं, 11 बजे तक पढ़ेंगे अपन लोग,
तो बस जल्दी जल्दी भैया एक बार और शेयर ठोक दो मेरे दोस्तों। अरे मेरे शेयर और शेयर नहीं हो, एक बार और शेयर ठोक दो अपना। लगभग 100 क्वेश्चन हो गए होंगे क्या? इसका आंसर है आपका डिस्क डी फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, क्योंकि डिस्क डी फ्रेगमेंटेशन ही ऐसा ही करता है। ठीक है, ठीक है, वो है आपका। हाँ चलो भैया, पूरा पूरे तो यार बहुत ज्यादा है वो क्वेश्चन। देखो अभी कहां तक आए हैं अपन, यहीं तक आए हैं, देख रहे हैं क्या? देखो अभी हम अभी पीडीएफ का जो स्क्रॉलिंग होता है ना, इस प्रकार से स्क्रॉलिंग, ये स्क्रॉलिंग होता है ना, ये स्क्रॉलिंग में अपन अभी यहां तक आए हैं। यहाँ है पीडीएफ, अब वो यहाँ चलना हो तो यहाँ तक। ठीक है, चलो भैया 900 की बात है और अभी 100 नहीं हुए हैं। 900 यार, 900 बहुत हो जाते हैं। अगला, तो यार तुम भी कहाँ इंटरेस्ट दिखा रहे हो, तुम भी तो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, बच्चे सारे भग गए यार। तो देखो मैं किसको पढ़ाऊंगा, एक बात बताओ, मैं पढ़ाऊंगा किसको? मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा। अरे यार मैं बेवकूफ थोड़ी हूं, अगर स्टूडेंट ही नहीं है तो मैं किसको पढ़ाऊंगा? ठीक है चलो भैया आगे बढ़ जाइएगा। क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन का कहना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ फ्लैट बेड प्लॉटर, यानी निम्न लगता है मैं से फ्लैट बेड प्लॉटर से रिलेटेड क्वेश्चन, ये रिपीट हो रहा है भैया, क्वेश्चन ये रिपीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन ये क्या हो गया आपका, रिपीट हो गया। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द लार्ज सर्किट बोर्ड इनसाइड द सीपीयू टावर इज कॉल्ड टावर, सीपीयू टावर इज कॉल्ड, यानी सीपीयू टावर के अंदर लगे बड़े सर्किट बोर्ड को कहा जाता है। बताओ क्या कहा जाता है, सीपीयू टावर के अंदर लगे बड़े सर्किट बोर्ड को क्या बोलते हैं? कुलदीप शर्मा तुम लाओगे ना, शेयर करो भैया, अरे शेयर करो तभी तो लाओगे सर, जिसको सीपीसीटी को क्लियर करना है वो ही क्लास में रहेगा। जी सर बिल्कुल रहेगा। चलो देखो क्या बात है, ये आपकी सिंपल सी बात है, यानी सीपीयू टावर के अंदर लगे बड़े सर्किट बोर्ड को क्या बोलते हैं, क्या मदरबोर्ड बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं, या फिर उसे मेन मेमोरी कहते हैं, तो क्या कहा जाता है वो? आई थिंक मेरे हिसाब से मदरबोर्ड आंसर होना चाहिए इसका। यस बिल्कुल करेक्ट, इसका आंसर क्या होना चाहिए, मदरबोर्ड आंसर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन का मतलब क्या है बोलो भाई, सी विच ऑफ द फॉलोइंग कैरियर सॉरी करियर आउट ऑफ के निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के सभी प्रोग्रामिंग कार्य करता है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के सभी प्रोग्रामिंग कार्य किसके द्वारा करते किए जाते हैं, सीपीयू के द्वारा, रैम के द्वारा, इनपुट आउटपुट के, इनपुट आउट डिवाइस के द्वारा या आउटपुट डिवाइस के द्वारा, बताइएगा, बताओ भैया। यानी सारे के सारे जो प्रोग्रामिंग के कार्य हैं वो आई थिंक सीपीयू के द्वारा ही किए जाएंगे। किसके द्वारा किए जाएंगे वो? सीपीयू यानी आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा सारे कार्य किए जाएंगे। आगे मूव करें, चलो भैया मूव करते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न चलो भाई आंसर दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस कैपेसिटर एंड नीड कंटिन्यूअस रिफ्रेशिंग, मतलब निम्नलिखित में से कौन कैपेसिटर का उपयोग करता है और उसे निरंतर ताजा करने की आवश्यकता, नहीं रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है, तो वो डी रैम, एस रैम, कैश मेमोरी या फिर हार्ड डिस्क, बताओ भैया। चलो बताइएगा बताइएगा। सौरभ रावत पूरे करवाएंगे बट दो 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 मैराथन में करवाएंगे डी रैम। और मेरे दोस्तों सुनो, अरे ये 200 के 200 बच्चे हैं ना, 240 मेरे भाई, 240 को प्रत्येक 10 10। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर ये 200 बच्चे हैं, ये 200 बच्चों में से क्या 10 10 व्यक्ति स्टेनो से जो सीपीसीटी करना चाहते हैं वो तुम्हारे संपर्क में नहीं होंगे? प्रत्येक व्यक्ति के में ये 200 में से सपोज ए है बी है, तो ए के संपर्क में क्या 10 नहीं होंगे, बी के संपर्क में क्या 10 नहीं होंगे, क्या आपके संपर्क में एक व्यक्ति के संपर्क में 10 10 व्यक्ति नहीं होंगे? और अगर ये 200 के 200 व्यक्ति 10 10 व्यक्ति को जोड़ेंगे तो कितने व्यक्ति जोड़ने वाले हैं, 2000 व्यक्ति। तो ये 2000 ऐसे इस प्रकार से जितनी ज्यादा आप जोड़ सको, वो व्यक्ति आपको कब जोड़ना है, अगले संडे को,
अगले संडे को मैं आपको पूरा का पूरा एक्सेल एक ही वीडियो में कवर करवाने वाला हूं, और अगले संडे को मैं आपको पूरा का पूरा एक्सेल पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, ठीक है, मैं आपको पूरा कवर कराने वाला हूं और संडे को मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, बढ़ जाएगा। क्यों, मैच आईपीएल चलने लगा क्या? डीरेम इसका आंसर है, सही है। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस दैट इज मच फास्टेस्ट देन सीडी, यानी निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है जो सीडी से भी तेज है, तो वो है आपकी कौन सी है? तो ये सीडी से ज्यादा तेज वाली क्यों होती है? आपकी डीवीडी। और डिजिटल, अगर आपसे दोनों को कंपेयर करा जाए कि भैया कि सीडी डिस्क के अंदर भी कहां पर है आपका प्रदीप सिंह पेड क्लास कहां पर मिलेगी, तो मेरे दोस्त, तो मेरा जो नंबर दिख रहा है स्क्रॉलिंग में, क्लास खत्म होने के बाद आप मेरे मुझे कॉल कर सकते हैं, तो वहां पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक है, आप वहां पर जाकर क्लिक करके आप क्या कर लीजिएगा मेरे दोस्तों, उसको ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, चलो भैया ये चीज है। तो डीवीडी आपका डिजिटल वीडियो डिस्क की स्पीड ज्यादा होती है किसके कंपेरिजन में? आपकी सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क के कंपेरिजन में। ठीक है, और इसको जरा करो मेरे भैया, इसको करो सॉल्व, करिएगा इसकी मैचिंग, करो करिएगा मैचिंग। आपका लेजर प्रिंटर किसके अंतर्गत आना चाहिए? आपका स्प्रे टिंग ड्रॉपलेट ऑफ इंक ऑफ पेपर, ये आपका इंकजेट प्रिंटर होना चाहिए। और लेजर प्रिंटर के अंदर शायद काइटिस यूज करना चाहिए, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर नोइजी है, और आपका हाई डिस्क ड्राइव क्या है आपका? प्लेटर्स होते हैं। जी 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 जी, करेक्ट बात, हाई डिस्क ड्राइव के अंदर प्लेटर्स होते हैं। ठीक है, चलो भैया प्लेटर्स, तो एक बार और अरेंज कर लो, ये लेजर प्रिंटर है इसमें काइटिस यूज की जाती है, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में नोइजी होता है, और इंकजेट प्रिंटर में आपका स्प्रे यूज की जाती है, काइटेज यूज नहीं की जाती है, पेपर यूज किया जाता है, और हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर प्लेटर्स होते हैं। हार्ड डिस्क मतलब हार्ड डिस्क के अंदर आपके कुछ प्लेटर्स यूज किए जाते हैं। तो फर्स्ट का बी ये दोनों में है, देखते हैं कौन सा आंसर सही निकलता है। और सेकेंड का सी जी भैया, सेकेंड, थर्ड का ए, यानी ये करेक्ट आंसर है आपका, ये गलत आंसर है, यानी ए करेक्ट आंसर, ए आपका करेक्ट आंसर है। सर जी 900 कंप्लीट करवा दीजिए आप, सौरभ रावत जी, भैया मैं 900 कंप्लीट करवा दूंगा आपको। चलो, और अगले संडे को एक्सेल का मैराथन है भैया, भूलेगा मैं तो बिल्कुल। ठीक है, और एक ही क्लास में पूरा एक्सेल पढ़ने वाले हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर फॉर फाइल कंप्रेसिंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सा फाइल संपीड़न के लिए एक लोकप्रिय उपयोगिता यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? लोकप्रिय तो विनरार है आई थिंक, एक्रॉब रीडर तो नहीं है, एमएस डॉस नहीं है, विनजिप बहुत बढ़िया, ये सबसे ज्यादा यूज करते हैं, आप भी अपने कंप्यूटर्स में विनजिप का ही यूज करते हो। ठीक है, आगे, और जो भी बंदा पीडीएफ मांग रहा है ना, पीडीएफ मांग रहा है, तो मेरे भाई आज ही मैंने कोर्स लॉन्च करा है, आज ही क्या करा है भैया, आज ही मैंने कोर्स लॉन्च करा है, चलो भैया आज ही मैंने कोर्स लॉन्च करा है, टॉपिक वाइज टेस्ट वाला कोर्स, 199 रुपीज में नाम मात्र, कोर्स का नाम है कंप्यूटर टॉपिक वाइज एंड प्रैक्टिस टेस्ट, ये इस नाम से कोर्स का नाम है, एप्लीकेशन की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा और रीड करिएगा और आंसर दीजिएगा। क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉस कमांड चेक्ड डिस्क फॉर फाइल सिस्टम इंटीग्रिटी, ऐसी कौन सी कमांड है जो चेक करती है, निम्नलिखित में से कौन सी डॉस कमांड फाइल सिस्टम अखंडता के लिए डिस्क की जांच करती है, तो वो है चेक डिस्क कमांड, CHKDISK, चेक डिस्क कमांड प्रयोग की जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन का कहना क्या है मेरे दोस्तों, देखिएगा कि लिखा हुआ द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ओवर डेटा इज कॉल्ड,
यानी आपके आपके भैया जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, जो अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, वो किसके ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं? क्या उन्हें हम एन स्टोरिंग बोलते हैं, या फिर उन्हें हम डिकोडिंग बोलते हैं, या फिर उन्हें प्रोसेसिंग बोलते हैं, या फिर उन्हें एन कोडिंग कहा जाता है? आंसर दीजिएगा जल्दी, क्या कहा जाता है उन्हें? दीजिएगा जल्दी आंसर, जल्दी क्या कहा जाता है उन्हें? तो उन्हें मेरे दोस्तों आपका प्रोसेसिंग कहते हैं, जो आपकी एन जो चलती है ना भैया, क्या जो आपकी जैसे भी जो बिट वाइज ऑपरेशन जो चलते हैं, आपके अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन चलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें मेरे भाई सिंपल सी चीज कहते हैं, उन्हें प्रोसेसिंग कहा जाता है, ठीक है। और द डेटा स्टोर्ड गेट इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड, आप डेटा कहाँ स्टोर किया जाता है कि जैसे ही कंप्यूटर बंद हो तो डेटा आपका खत्म हो जाता है, तो वो आपकी जगह रैम है। रैम के अंदर जो रैम आपकी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, कौन सी मेमोरी होती है? वॉलेटाइल रैम में आपकी जो है वॉलेटाइल मेमोरी होती है। और वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या रहता है? आपका जैसे ही डेटा वहां पर आपका कंप्यूटर बंद हुआ, या फिर आपका डेटा पावर सप्लाई कंटिन्यूस नहीं जा पाई, तो वहां से क्या हो जाता है? आपका डेटा का लॉस हो जाता है, वो आपकी नॉन वॉलेट वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जिसे रैम कहा जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है वो आपको बतानी है। बताओ भैया कौन सी स्टेटमेंट गलत है, बताइएगा। लिखा हुआ है सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, जी करेक्ट है। एएलयू हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस को बहन करता है, जी बिल्कुल करेक्ट है। रैम और रोम दोनों प्रकृति में अस्थिर हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, रैम अस्थिर है और रोम स्थिर है, ऐसा है। मुख्य मेमोरी सीपीयू का एक अभिन्न पेड़ नहीं है, तो ये बिल्कुल जी जी इस करेक्ट बात है, ये नहीं है। तो आपका सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। आगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन का कहना क्या है जरा देखिएगा और रीड करिएगा। हार्डवेयर डिवाइसेस यूज्ड टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर फॉर स्टोर अ प्रोसेसिंग और प्रोसेसिंग आर कॉल्ड, यानी भंडारण या प्रसंस्करण के लिए कंप्यूटर में डेटा और निर्देशों को दर्ज करने के लिए उपयोग किए जाने वाले हार्डवेयर उपकरण को कहा जाता है, क्या उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं, माइक्रो कंट्रोल डिवाइस कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं, या फिर उसे मेमोरी कहा जाता है? जरूर भैया, चलो क्या कहा जाता है बताओ। अगला वो है आपका इनपुट डिवाइस, ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? इंस्ट्रक्शन से समझ में भी आ रहा है, आपके डेटा को एज अ इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में कंप्यूटर को देना, तो वो आपका कहलाता है, ताकि कंप्यूटर में क्या हो सके, प्रोसेस हो सके, तो वो आपके इनपुट डिवाइस ही कहलाता है। इंस्ट्रक्शन आप अच्छी तरह से जानते हैं, इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, आपके इनपुट डिवाइस ही होता है, ठीक है। और ये चीज मैचिंग करनी है आपको, क्या आपका ट्रू और फॉल्स के बारे में आपको देखना है। माउस इज अ हैंड ऑपरेटेड पॉइंटिंग डिवाइस, करेक्ट है। ऑप्टिकल माउस यूज लेजर फॉर डिटेक्टिंग इट्स मूवमेंट, जी बिल्कुल करेक्ट है। द कम्युनिकेशन बिटवीन इनपुट डिवाइसेस एंड सीपीयू इज वाई डायरेक्शनल, जी बिल्कुल गलत बात है। आपके माउस इनपुट डिवाइस और आपके सीपीयू के पास बाई डायरेक्शनल बिल्कुल नहीं होगा, यूनि डायरेक्शनल होगा। यूनि बोले तो क्या, कि माउस हमेशा सीपीयू को निर्देश देगा, कभी भी सीपीयू माउस को निर्देश नहीं दे सकता है कि भैया ये क्या होती है, सीपीयू को निर्देश नहीं दे पाएगा। तो फर्स्ट सेकेंड आपका ट्रू है, फर्स्ट आपका ट्रू है, सेकेंड आपका ट्रू है, बट थर्ड आपका क्या है मेरे दोस्तों, फॉल्स है। तो देख लीजिएगा, फर्स्ट ट्रू, ट्रू और फॉल्स, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाओ और मेरे दोस्तों अगले क्वेश्चन पर मूव कर जाओ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देखने की कोशिश करिएगा, मैचिंग करनी है, मैचिंग करनी है, बताओ भैया करो मैचिंग, करिएगा। जो डीवीडी वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी क्या है आपका आउटपुट डिवाइस है वीडियो, जी। स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है, जी। सीडीआर को हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्डेबल बोलते हैं, और सीडीआरडब्ल्यू को हम क्या बोलते हैं, रीराइटेबल बोलते हैं। तो मैच कर लीजिएगा दोस्तों, फर्स्ट का बी है तो फर्स्ट का बी है, और सेकंड का आपका, सेकंड का सी है तो सेकंड का सी ले लिया, जी बिल्कुल, और थर्ड का डी है तो थर्ड का आपका डी यहाँ पर नहीं है, ये है थर्ड का डी है आपका, डी है, और यहाँ पर फोर्थ का ए है, फोर्थ का ए है, यानी आपका थर्ड यहाँ पर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। सीरीज कर सर, एक बार पुनः आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अनिल यादव बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भैया
आगे बढ़ जाए। चलो आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा, कहने का सिंपल सा मतलब है, निम्नलिखित में से किसी एमएस डॉस के लिए पहला कंप्यूटर वायरस बनाया माना जाता है। डॉस के लिए सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कौन है बताओ भैया, डॉस के लिए सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कौन है? लव यू क्या है आपका, नॉर्टन है, को हेड है, आई लव यू है? अरे भैया आई लव यू, जो भैया जी आई लव यू वायरस है ताकि बंदा फंस जाए। चलो मस्तिष्क वो है, तो ये आपका मस्तिष्क नाम का सबसे पहला वायरस है जो डॉस के लिए क्रिएट किया गया था। किस नाम का? मस्तिष्क नाम का, ठीक है। तो मस्तिष्क नाम का एक वायरस है जो क्या किया गया था आपके, उसके लिए डेवलप किया गया था आपकी ब्रेन जो डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए। और ये भैया लव यू, लव यू ये इतना बड़ा वायरस है, इससे बड़ा वायरस दुनिया में कुछ है ही नहीं, इससे बड़ा वायरस दुनिया में कुछ है ही नहीं, ये लव यू तगड़ा वायरस है, तो इससे भैया बच कर रहें। और बस ये लव यू किसके लिए होना चाहिए, ये लव यू ओनली आपके माताजी, माताजी और आपके पिताजी, इन दोनों के लिए लव यू होना चाहिए, अदरवाइज दुनिया में किसी के लिए लव यू नहीं होना चाहिए। चलो भैया आगे आगे बढ़ जाइएगा, और आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं जरा बातें क्या है और देखते हैं हम क्या क्वेश्चन का क्या कहना है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स एन ऑप्शन टू अनइंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर फॉर अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को अनइंस्टॉल करने का सॉफ्टवेयर ऑप्शन कौन प्रोवाइड करता है? कंट्रोल पैनल, डेस्कटॉप, विंडोज एक्सप्लोरर या फिर फाइल? हाँ ब्रेकअप वायरस भी आएगा जी, बिल्कुल ब्रेकअप वायरस भी आएगा। जी ब्रेकअप वायरस भी आएगा, चलो आगे जाइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो इसका आंसर है कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल की मदद से, चलो कंट्रोल पैनल की मदद से आप कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, सॉरी आप सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो। दो स्टेटमेंट दी हैं आपको, देखना है ट्रू और फॉल्स है। देखो जरा, अ सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी अनइंस्टॉल इमीडिएटली आफ्टर इट्स इन इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटर। नहीं जी बिल्कुल ही इंस्टॉल किया जा सकता है, ये गलत बात लिखी है, ये फॉल्स लिखा है। अ कंप्यूटर मे बी इफेक्टेड बाय सम वायरस इवन दो एन एंटीवायरस इज इंस्टॉल्ड। नहीं भैया आपका दोनों फॉल्स है, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों फॉल्स गलत बोल रहा है, आई थिंक गलत ही बोल रहा है, गलत बोल रहा है भैया, दोनों फॉल्स है, ठीक है। चलो भैया अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का कहना क्या है? With respect to file management FAT standard, FAT का standard form क्या है आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिसे हम file allocation table कहते हैं। क्या कहते हैं FAT का पूरा नाम क्या होता है मेरे दोस्तों? File allocation table कहते हैं। राजेंद्र भाई child के name और सोच लो भैया, कौन से ने बीबी का name सोच लिया कि किसी ने? चलो भैया अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन का कहना क्या है? Which of the following is the most simplistic of the file system supported by Windows NT? Windows NT के द्वारा कौन सा file system support किया जाता है बताइएगा। सर आपके लिए खुदा करे आपकी हर इच्छा पूरी हो जाए, मैं आपके लिए जो भी दुआ मांगू वो उसी वक्त मंजूर हो जाए। थैंक यू दीक्षा, थैंक यू। चलो भैया बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। निम्न में से कौन सा विंडोज एनटी द्वारा समर्पित फाइल सिस्टम में सबसे सरल है? कौन है भैया सबसे सरल विंडो एनटी के लिए, विंडो एनटी के लिए सबसे सिंपल और सबसे सरल कौन सा है? तो इसका आंसर है आपका फैट, इसका आंसर कौन सा आपका फैट। विंडो एनटी के लिए मेरे दोस्तों फैट फाइल सिस्टम का उपयोग किया जाता है, विंडो एनटी की बात कर रहे हैं ना कि विंडोज के लिए। वैसे यहां पर NTFS आंसर होना चाहिए आई थिंक, मेरे हिसाब से ये गलत आंसर है फैट आपका, यहाँ NTFS आंसर होना चाहिए। विंडो NT के लिए आपका NTFS यानी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। भैया सर पटवारी, हाँ पटवारी में भैया CPCD बिल्कुल मांगा जाता है, पटवारी में CPCD बिल्कुल मांगा जाता है, ठीक है, और कंपलसरी रहता है आपको करना पड़ेगा, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ जाएगा,
और अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन का कहना सिंपल सा मतलब है, क्या कहना है मेरे भाई देखिएगा, फाइल कंपोज्ड ऑफ अ सॉरी कंपोज्ड वन और मोर कंप्यूटर फाइल अलोंग विद देयर मेटा डेटा, यानी फाइल उनके मेटा डेटा के साथ एक या एक से अधिक कंप्यूटर फाइलों से बनी है तो वो कहलाती है आपकी आरचीफ फाइल। आरचीफ फाइल का मतलब क्या होता है, आपकी दो या दो से अधिक फाइल, ठीक है, दो या दो से अधिक फाइल जिन्हें आप कंबाइन करके एक फाइल क्रिएट की है या फिर उनका साइज आपने कब कम कर दिया है उसे क्या बोला जाता है, आपका आरचीफ, यानी कंप्रेस्ड जो फाइल होती है वो आपके आरचीफ फाइल के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन बोलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से जल्दी मेरे दोस्तों बढ़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ यू टू एक्सप्लोर एंड मैनेज द कंटेंट ऑफ योर कंप्यूटर ड्राइवर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा आपको आपको अपने कंप्यूटर ड्राइवर की सामग्री का पता लगाने और प्रबंधित करने की अनुमति देता है, कौन करने देता है भैया आपके कंप्यूटर का पता लगाने की अनुमति कि आपके कंप्यूटर के अंदर डेटा कहाँ है क्या है, तो वो आपका माय कंप्यूटर होता है, मतलब जो सीडी ड्राइवर के अंदर जो आपका डेटा है उसका पता लगाना कि वो भैया किस फोल्डर के अंदर कौन सा डेटा है, किस फोल्डर के अंदर कौन सा डेटा है, ठीक है ठीक है। चलो भैया चलो, तो वो क्या कहलाता है आपका माय कंप्यूटर के अंदर वो डेटा आता है, ठीक है। और क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका कि चिप इज ऑल्सो कॉल्ड, चिप को क्या कहा जाता है, चिप इज ऑल्सो कॉल्ड, चिप को चिप किसे कहा जाता है, आपका इंटीग्रेटेड सर्किट को करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर को होते हैं, सीपीयू को बोलते हैं और लॉजिक गेट को बोलते हैं, तो चिप को आपका चिप को आपका आईसी भी बोला जाता है, चिप को क्या कहते हैं आपकी आईसी भी कहते हैं, यानी चिप को इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहा जाता है, ठीक है। विवेक जैन जी बिल्कुल आप पेपर दे सकते हो दोबारा, आप अपने क्वालिफाई कर लिया है तो जी आप बिल्कुल पेपर दे सकते हो, कोई समस्या नहीं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, यानी मेन मेमोरी और प्राइमरी में कंप्यूटर की मेन और प्राइमरी मेमोरी किसे कहा जाता है, तो वो आपकी आपकी रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी और आपकी मेन मेमोरी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न कथनों में से कौन सी गलत है, मतलब कथन किस कौन सा कथन आपका गलत है, मतलब पहला कथन बोल रहा है कि रोम में स्थायी रूप से संग्रहित होते हैं, जी भैया बिल्कुल करेक्ट बात है, स्थायी रूप से ही संग्रहित होते हैं रोम के अंदर, ठीक है। और अगला क्वेश्चन कहने अगला है आपका निर्देश होते हैं रोम कंटेंट परमानेंटली स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन, नहीं भाई रोम स्थाई, रोम में सही बात है स्थाई होते हैं, जी बिल्कुल बात है, गलत पूछ रहा ना वो, गलत पूछ रहा आपसे, और रोम गैर रोम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जी बिल्कुल सही बात है, रोम स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन फॉर द बूटिंग प्रोसेस, जी सही बात है, रोम इज अ सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, नहीं भैया ROM sequential access memory जी बिल्कुल भी नहीं है, ये आपका D गलत बात है, ठीक है, ROM is a sequential access memory, जी नहीं भैया ROM sequential access memory नहीं होती है, ROM आपका क्या है मेरे दोस्तों direct access memory होती है, मतलब ROM के अंदर जो भी डेटा है, जैसे ROM है, ये ROM है आपका, ROM के अंदर sequential memory का मतलब क्या रहता है कि जो आपका डेटा है, जैसे आपने स्टार्ट करा है डेटा है मेरे दोस्तों, चलो भैया सर आपने जो 36 सेट दिए थे फंडामेंटल उनमें बहुत गलत आंसर सेट है, नहीं भैया कोई आंसर गलत सेट नहीं है, चलो भैया आगे, तो ये है आपका आंसर, तो ये है आपका नॉट लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोर्टेबल कंप्यूटर डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल कंप्यूटर डिवाइस नहीं है बताइएगा, आपके हार्डवेयर के लिए भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए मेरे हार्डवेयर के लिए, छाया पंडित जी क्या होना चाहिए बताइएगा, तो भैया देखता हूं क्या होना चाहिए मेरे हार्डवेयर के लिए, चलो भैया चलो, तो ये क्या है आपका, ये लैपटॉप नोटबुक डेस्कटॉप या पामटॉप, तो ये पामटॉप आपका पोर्टेबल नहीं होता, पामटॉप बोले तो क्या जो आपकी टेबल पर तो जो सिस्टम टूल होता है अलग अलग, उसका यूपीएस लगा होता है, सिस्टम टूल लगा होता है, मॉनिटर अलग होता है, तो उसे उठाकर एक जगह से दूसरी जगह उठाना क्या होता है आपका मुश्किल पड़ जाता है, ठीक है, तो वो आपका डेस्कटॉप कहलाता है, आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर वाला डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है वो, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट आंसर देखिएगा मेरे भाई, अगला क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूजर कंप्यूटर मेंटेन यूज्ड इन ऑफिसेस एंड होम्स, निम्नलिखित में से कौन सा एकल उपयोगकर्ता कंप्यूटर है जिसका उपयोग मुख्य रूप से
कार्यालयों और घरों में किया जाता है। तो माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर। तो भैया ये माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है आपके घरों में, या फिर हम ऑफिस की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर का यूज होता है। आगे बढ़ जाए, चलो अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देख लो मेरे दोस्तों, और आंसर देख लो इसका। आंसर क्या कहना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। तो देखो सीडी ऑप्टिकल है, ब्लू रे डिस्क है, सीडी रोम और सी डीवीडी है, बट हार्ड डिस्क ऑप्टिकल नहीं होती है। ये क्या है आपका, मैग्नेटिक डिस्क है। ठीक है, कौन सी डिस्क है, ये मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ जाए, चलो आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं कि अगला क्वेश्चन बोल क्या रहा है। देखिएगा मेरे दोस्त, क्वेश्चन का कहना है कि स्टेटमेंट इज ट्रू फॉल्स बताना है। तो लिखा हुआ पेन ड्राइव इज अ पोर्टेबल यूएसबी फ्लैश, जी करेक्ट बात है। पेन ड्राइव इज द सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, जी बिल्कुल गलत बात है। पेन ड्राइव इज अ वोलेटाइल मेमोरी, जी बिल्कुल गलत बात है, वोलेटाइल नहीं होती है पेन ड्राइव। तो ये आपका ट्रू और फॉल्स, फॉल्स दोनों आंसर होने चाहिए, आई थिंक ऐसा होना चाहिए। ट्रू फॉल्स, फॉल्स, जी बिल्कुल करेक्ट बात है। आपका आंसर क्या है, ट्रू फॉल्स, फॉल्स दोनों आंसर इस प्रकार से होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाएगा और अगले क्वेश्चन पर मूव करेगा, और अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देखने की कोशिश करेगा। ठीक है, देखिएगा क्या कहना है क्वेश्चन का कि माइक आपको मैचिंग करनी है। मैचिंग करो मेरे दोस्तों, मैचिंग क्या है कि माइक्रोफोन रिकॉग्नाइज ऑफ टेक्स्ट कैरेक्टर नहीं, डेटा मैनिपुलेशन बाय टचिंग नहीं, कन्वर्ट साउंड इनटू इलेक्ट्रॉनिक वेव, ये माइक का काम है। और ओसीआर का काम है डेटा मैनिपुलेट बाय टचिंग स्क्रीन द डेटा, नहीं रिकॉग्नाइज टेक्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम द स्कैन्ड फाइल, ये टेक्स्ट कैरेक्टर ये हो गया। वेब कैमरा, तो वेब कैमरा क्या है, वीडियो चैट के लिए यूज किया जाता है। लाइट फैन, ये बिल्कुल है। डेटा मैनिपुलेट बाय द टचिंग द स्क्रीन, टचिंग स्क्रीन पर आप डेटा टचिंग करते हो तो आपको डेटा मैनिपुलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये काम है आपका। तो आंसर आप चेक कर लीजिएगा क्या है आपका, फर्स्ट का है आपका कौन, फर्स्ट का सी है, और सेकंड का क्या होना चाहिए, सेकंड का ए है, और थर्ड का क्या होना चाहिए, थर्ड का आपका डी है, और आपका फोर्थ का क्या होना चाहिए, तो फोर्थ का आपका बी है। आंसर मैचिंग कर लो मेरे दोस्त, आंसर मैचिंग कर लीजिएगा, यही इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, थर्ड का डी और फोर्थ का बी आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंपल सा कहना है कि फैट फाइल सिस्टम में किसी फाइल या निर्देश का नाम वर्णों तक लंबा हो सकता है, कितने वर्णों तक लंबा हो सकता है, तो 8 वर्णों तक यानी 8 कैरेक्टर तक वो आपका लंबा किया जा सकता है आपके किसके अंदर, एंट आपके फैट के अंदर। NTFS का पूरा नाम आपको पता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, आ कंप्यूटर कीबोर्ड इज क्लासिफाइड बाय एन, तो कंप्यूटर कीबोर्ड आपका एज अ इनपुट डिवाइस के अंदर आता है मेरे दोस्तों। और जाते जाते एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले जाएगा, वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है मेरे दोस्तों, सिंपल सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपकी मेरे भाई, सिंपल सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो क्या है मेरे भैया समझना और देखना मेरे भैया। सिंपल सी बात है, एक आपने कोर्स लॉन्च कर दिया है आपका कंप्यूटर सिलेबस टेस्ट, मतलब इसके अंदर आपके जितने जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं कंप्यूटर है, अगर आप ये टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हो तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके मेरे दोस्तों आपको किसी भी एग्जाम, चाहे आपका पटवारी का एग्जाम हो, चाहे आपका LDC का एग्जाम हो, चाहे आपका स्टेनो SI का एग्जाम हो, ASI का एग्जाम हो, चाहे आपका कोर्ट का एग्जाम हो, चाहे आपका ग्रुप आपका जो 4 वाला एग्जाम होता है वो हो, चाहे आपका ग्रुप 2 वाला एग्जाम हो, चाहे आपका LDC वाला एग्जाम हो, चाहे आपका टाइपिस्ट वाला एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, इन सब की प्रिपरेशन इस टेस्ट सीरीज के अंदर है। आपको टॉपिक बाई टेस्ट सारे टेस्ट दिए जाते हैं, और अगर आप मेरे भाई CPCPT की मुंडी में छेद करना चाहते हो, और अगर आपने प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, तो 999 रुपीज का मेरा एक कोर्स है मेरे दोस्तों, तो उसे बिल्कुल ज्वाइन करेगा, उसमें बिल्कुल प्रॉपर वे में फिर आपको ये टेस्ट सीरीज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सारी चीजें मैंने आपको उसी चीज के अंदर प्रोवाइड
कर दी है, ठीक है। तो ये सारी टेस्ट सीरीज आपको फिर नहीं लेनी पड़ेगी मेरे दोस्तों, आपको उसी के अंदर 999 के अंदर मिल जाएंगी। और अगर आप मैथ की क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, रीजनिंग की क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, तो कल लास्ट डेट है 20 तारीख तक उसके रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं अपने एप्लीकेशन पर। हमने मैथ और रीजनिंग का आपको क्लासेस स्टार्ट करवा दी है, जो ऐसे बंदों के लिए जो एक मार्क से रह जाते हैं, दो मार्क से रह जाते हैं, बेचारे फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया है, ठीक है। टेस्ट सीरीज नहीं, आपका कोर्स ही लॉन्च कर दिया है। तो ये आपका ये आप मैथ और रीजनिंग का ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप मेरी क्लास 999 रुपीस वाली, या फिर आपका जो कंप्यूटर का सिलेबस वाली टेस्ट है, इस टेस्ट पेपर को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता हूं मेरे दोस्तों, और सुनो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगले संडे को आपका भाई आपको एक्सेल पढ़ाने वाला है एक ही वीडियो के अंदर, ठीक है। अगले संडे को आपका भाई आपको एक्सेल पढ़ाने वाला है एक ही वीडियो के अंदर। तो आप ज्यादा से ज्यादा आ जाइएगा मेरे दोस्तों। और इस सर पूरे कब कराओगे आप? इन क्वेश्चंस को हम करा लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। और अगले संडे को हम क्या करने वाले हैं, आपके पूरी मैराथन क्लास करने वाले हैं, जिसके अंदर हम पूरा एक्सेल कंप्लीट पढ़ने वाले। और जो अभी ये यहाँ पर ये पीडीएफ के अंदर जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं, देखो जरा कितने क्वेश्चंस हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे दोस्त, बहुत क्वेश्चंस हैं। ये 900 क्वेश्चन है कंप्लीट, 900 क्वेश्चन है, 900 क्वेश्चन है कंप्लीट। इन क्वेश्चनों को इसी के अंदर इंक्लूडेड है। अगर आप ये वाली टेस्ट सीरीज मेरी लोगे ना, ये वाली टेस्ट सीरीज लोगे ना, तो ये सारे क्वेश्चंस एज अ एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही आपको फंडामेंटल के मिल जाएंगे, ऐसे ही आपको नेटवर्क के मिल जाएंगे, इंटरनेट के मिल जाएंगे, सब चीजों के ऐसे ही आपको क्वेश्चंस प्राप्त हो जाएंगे। और मेरे दोस्तों, अगर क्लास को शेयर नहीं किया तो अभी तक शेयर कर दीजिएगा, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूं अगले संडे पर। और मेरे भाई पर डे 9 बजे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करते हैं। आप 9 बजे आकर मेरे एसी एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस चैनल पर आप 9 बजे क्वेश्चंस पेपर को लगाना ना भूलिएगा, ठीक है। और आना यहाँ पर ना भूलिएगा, ठीक है। और मेरे दोस्तों, अगले संडे को हम मिलते हैं अपनी एक्सेल की मैराथन के अंदर। हम मैराथन का एक्सेल करने वाले हैं, सॉरी एक्सेल का मैराथन करने वाले हैं अपने अगले संडे को, ठीक है। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे दोस्तों। अगर कोर्स ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जाओ ऐप को इंस्टॉल कर लो। मिलता हूं मेरे दोस्तों कल 9 बजे, तब तक लिए नमस्कार।